हेलो 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 मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पर कि आवाज़ आ रही है मेरी और आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है यही बता दीजिए फिर हम लोग आगे अपना कार्यक्रम आज का स्टार्ट करते हैं एक में ज़रा एक चीज़ काम नहीं कर रही मेरी ठीक तो है तक इधर पर रहो आप लोग क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखते रहते हैं आवाज़ मेरी आ रही कि नहीं ये जरा बताइए मुझे पहले फिर हम लोग आगे कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं ना। जो भी हमें करना है आज ये मेरा मोमेंट क्यों नहीं ले रहा है इंडिया सोर्स वर्किंग ये तो चल रहा है इधर पे बाकी तो मेरे को हम इसका Mm hmm. फाइन अब सही है तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आवाज़ आ रही मेरी ना आवाज़ आ रही प्रॉपर तरीके से हेलो 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 ठीक है आ रही आवाज चलो बढ़िया कंफर्म करने के लिए थैंक यू आपका नाम क्या है एकदम डॉट डॉट लिखा हुआ है सामने की तरफ और कुछ नहीं है और ठीक है सर मुझे लाइटिंग की क्लास दीजिए लाइटिंग की क्लास लाइटिंग इफेक्ट लाइटिंग इफेक्ट बड़ा ही पुअर है देखो लाइटिंग के लिए ना मैंने बहुत बार वीडियोज़ बना चुके हैं पहले से तो मैं आपको बोलूँगा पहले आप वो देख लीजिए ना बेटर रहेगा आपके लिए तो मैं बताया था कौन सा वाला आपको देखना चाहिए लाइटिंग के लिए ना जब इधर पे आप सीधा लिखोगे ना लाइट ठीक और मैं चैनल का नाम लिखूंगा ना आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस सा आ जाएंगे देखो लाइटिंग प्रॉब्लम्स और लाइटिंग सॉल्व डार्क लाइट कैसे कर सकते हो सन लाइट कैसे कर सकते हो लाइट इफेक्ट कैसे दे सकते हो इस तरह की सीलिंग लाइट कैसे दे सकते हो बहुत सारी टाइप की लाइटिंग के फॉल सीलिंग कैसे बना सकते हो इस तरह का लाइट इफेक्ट इस तरह से इन लाइट कैसे बना सकते हो तो लाइटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे सीधा बस आप लाइटिंग और मेरे चैनल का नाम लिखो ना फिर धीरे धीरे जाके आप अंदर भी जब जाओगे धीरे धीरे करके या फिर आपको लाइटिंग का प्ले भी मिल जाता है अगर हम चैनल के ऊपर आप चाहते हो प्ले में जाते हैं हम लोग यहाँ पर आपको एक लाइटिंग का प्ले मिलेगा लाइटिंग के ऊपर सिर्फ ट्वेंटी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई हैं प्ले के अंदर तो ये पूरी लाइटिंग के ऊपर ही है तो ये वीडियोस देख सकते हो आप ठीक है तो ये भी फॉलो करना है तो ये भी फॉलो कर सकते हो तो इसमें क्या लाइटिंग के पूरे पूरे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं अभी उसके अंदर मैं और आगे क्या बताऊँ कुछ नई चीज़ है तो कुछ उसमें सोच सकते हैं तो सबसे टॉप पे एक का क्वेश्चन आया है गुड इवनिंग सर बोर्ड की डिज़ाइन नहीं बन रहा है ओके ठीक है मैंने व्हाट्सअप की है प्लीज़ एक बार चेक कर लो ठीक है मैं देखता हूँ उसको और आ, सर आज मुझे आ, वीरे सिक्स का स्केटर डिटेल एंड के साथ बताए ठीक है देखते हैं उसके ऊपर देखेंगे आप लोग आइस लाइट में कौन सा लाइट पे देखो आइस लाइट के बारे में सारी सारी चीजों के बारे में ये सब वीडियोस बन चुकी है ठीक है प्रिंस अच्छा आपका नाम प्रिंस है लाइटिंग के लिए कौन कौन सा एलिमेंट ऐड करना पड़ता है एलिमेंट एलिमेंट या आप पासिस निकाल रहे हो पासिस के बारे में पूछ रहे हो एलिमेंट मीन्स मोहम्मद जे रोप कैसे बनाए हाँ वो भी देखेंगे रोप का भी देखेंगे हम लोग सबसे पहले टॉप पे जिनका क्वेश्चन है पहले उनका देख लेते हैं इनका जो ये क्वेश्चन है ये रहा जब यहाँ पर आते हैं इन्होंने कुछ भेजा है हमें ठीक है इस तरह का डिज़ाइन और इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनेगा देख लेते हैं तो देखो ये सबसे पहले ना अगर जो भी डिज़ाइन बनाना आपको पहले उसका वैसा आ, एडिट पॉली करना आना चाहिए तो काफ़ी इजी हो जाएगा तो इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए भी एडिट पॉली आपको हल्का फुल्का आना चाहिए तो आप एडिट पॉली आता तो आराम से बना लोगे ऐसा कुछ नहीं है तो मैं इसको सेब कर लेता हूँ एक बार ठीक है इनका कुछ ब्लैक स्पॉट का कुछ प्रॉब्लम है आई यार ब्लैक स्पॉट कहाँ पर कौन सा ब्लैक स्पॉट नजर ही नहीं आ रहा है कुछ ठीक है पहले इनका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इस तरह का पैनल्स कैसे बनाते हैं तो उसके बाद हम लोग रोप के तरफ जाएंगे रोप कैसे बनाएंगे हम लोग ठीक है तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो वो इमेज है फर्स्ट इमेज कोई भी इमेज है मैं उसको इधर पे एक एज रेफरेंस ओपन कर लूँगा रेफरेंस Re के लिए मैं व्यू फाइल ले लेते ले ले हैं एंड डाउनलोड पे रखा था मैंने फिलहाल इस पर जाते हैं अगर देखो ये तो काफ़ी ईजी है करना क्योंकि जैसे ये हमारे पास फ़्रंट मिल चुका है इसका हमको तो मैं इसको एज आ फ्रंट यहाँ पर भी एक प्लेन बना के उसके ऊपर ऐसे लाइन वाइन कर दूंगा तो मेरे को काफ़ी ईजी हो जाएगी काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि तो इसके अंदर क्या है कि मेरे को ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं मैं एक प्लेन बनाता लेता हूँ सेम साइज़ का इसकी साइज़ क्या है पाँच सौ तेरह विथ है और पाँच सौ इकतीस है इसका हाइट तो यहाँ पर सेम वैसे ही मैं कर लेता हूँ विथ में 513 रखता हूँ और इसमें फाइव थर्टी वन रख देता हूँ ऐसे ठीक है अभी यहाँ पर मैं इमेज को लेके आ जाता हूँ इस प्लेन के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ तो वो इमेज को मैं यहाँ पर लोड कर लूँगा इसको मेरे को ऑलवेज स्टॉप करना चाहिए था यार ये बार बार मेरे पीछे आ रहा है डाउनलोड पे आ गया जैसे ये वाला है इसको मैं कर लिया ट्रैक करके इधर पे यहाँ पर आ गया फ्रंट पे ठीक है इसमें अप्लाई हो गया तो अभी मैं यहाँ पर इसको ट्रेस करेंगे थोड़ा मैं इसको पीछे रख देता हूँ दिस ठीक है अभी सेम टू सेम हमको चाहिए अगर बनाना है सेम टू सेम तो सेम टू सेम हमको एक बनाना है क्योंकि देखो एक अगर हम लोग बनाए दूसरा हम लोग को एक से मिरर मिरर सब सबके सब साइज़ है एक ही साइड का बना देते हैं सिर्फ इतना से बनाते हैं तो इतना तो बाकी तो मिरर ही है ज़्यादा उतना है नहीं तो फिर इतना ही क्रिएट करते हैं अरे टेक्स करो तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है थोड़ा और मैं अभी एक सेगमेंट तो ऐसा चाहिए मुझे जैसा हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हमको सेगमेंट ऐसा चाहिए एड पॉली में गया रिंग किया कनेक्ट किया सीधा एक सेगमेंट आ गया ठीक है बाकी एक सेगमेंट मेरे को ऐसा चाहिए और बाकी सब सेगमेंट ऐसे ही चाहिए मेरे को तो मैं कट का यूज़ करूँगा यूज़ कट और यहाँ पर क्लिक किया एंड इधर पे कट किया एक इधर पे कट किया धर पे कट किया ठीक है फिर मैं इसके फेस को सिलेक्ट कर लूँगा जो भी इसके फेसेस हैं ठीक है फिर यहाँ पर करता हूँ इसको वीवेल यूज़ करता हूँ तो काफ़ी सही रहेगा वीवेल कमांड से बी से कैसा होता है कि हमारा एक्सट्रूड भी होता है साथ ही साथ में अंदर की तरह हमारा बी भी होता है तो इधर पे मैं इसको चेंज कर दूंगा इसको लोकल में ले लेता हूँ या फिर पॉलीगॉन पॉलीगॉन ले, ले लेता हूँ क्योंकि अलग अलग पॉलीगॉन्स हैं हमारे ऐसे किया और बी कर लेते हैं लाइक दिस ऐसा कुछ ठीक है अभी हो तो गया बी वेल मगर ये क्या है अभी काफ़ी शार्प है इसको मुझे थोड़ा सा स्मूथ बनाना होगा स्मूथ क्रिएट करना होगा स्मूथ अभी है नहीं है तो स्मूथ करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शनस है हम लोग सीधा जाएंगे सेलेक्ट करेंगे तो जैसे कि मेरा ये सेलेक्ट है तो मैं सीधा कंट्रोल प्रेस करता हूँ सीधा मैं एजेस पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी एजेस हैं मेरे सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे ये शॉर्टकट होता है और फिर करते हैं हम लोग चैम्फर चैम्फर भी देख सकते हो इधर पे कुछ चैम्फर्स हो रहे हैं यहाँ पर और चैम्फर में कितना चैम्फर चाहिए वो देख सकते हैं स्मूथनेस के लिए इसको बढ़ा देता हूँ मैं लाइक like दिस ठीक है अप्लाई किया फिर जितने भी लाइंस है मैं इधर पे आता हूँ ऐसे अलग कर लिया मैंने इससे ये हो गया इसको भी हल्का फुल्का स्मूथनेस करना है तो कर सकते हो हल्का सा चैम्फो बहुत ही माइनर सा वैसे तो मेरे को स्मूथ करने की अभी जरूरत क्योंकि वैसे ही स्मूथ हो चुका है देख सकते हो ना हल्का फुल्का तो स्मूथ जितना स्मूथ चाहिए ऐसे स्मूथ हो चुका है तो मेरे को अलग से स्मूथ देने की जरूरत भी नहीं है ठीक है अब मेरे को इसका कॉपी बनाना तो सीधा इधर पे नीचे की तरफ़ एक कॉपी हो जाएगा मिरर या फिर सीधा हम लोग मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं फिलहाल तो मैं अभी कमांड की जगह सीधा मैं ये भी कर सकता हूँ सीधा कॉपी करके मिरर कर सकते हैं ये मिरर वाला ये ऑप्शन होता है लाइक दिस ठीक है इसको भी यहाँ ले लिया जस्ट कॉपी बस आजू बाजू तो कर्टन टाइप का ही कुछ है वेव्स दे था वो डाल दो और कुछ नहीं बाकी कलर में कैसा है मैप में गया थोड़ा मुझे चाहिए टेक्सचर्स Mmm. ठीक है अभी यह देखते हो मटीरियल्स मटीरियल कोई मिक्स भी कर सकते हैं जैसे मैंने मैप डेला ऊपर से अभी एक कलर दिया था मैंने तो कलर के अंदर मेरे को थोड़ा सा मिक्स करना है तो इधर पे डिफ्यूज़ को मैं फिफ्टी फिफ्टी कर दूंगा तो इधर पे कलर्स मिक्स हो जाता है फिट मैप के साथ में फाइन ठीक है ऐसा कुछ बना सकते जैसे कि अभी ये डिज़ाइन हो गया सेम टू सेम अगर दूसरा डिज़ाइन बनाना है तो सेम थिंग दूसरा भी कर सकते हैं दूसरा डिज़ाइन कैसा है आपका उसको भी देख लेते हैं दूसरा डिज़ाइन है ये अभी ये क्या है कि मुझे फ्लैट नहीं मिला यहाँ पर ये अगर सीधा होता तो मेरे को इजी पड़ता समझने में कि हाँ कैसा डिज़ाइन है इसको कैसे करना है तो उसको या फिर मुझे फ्लैट करना पड़ेगा ये काफ़ी क्रॉस में है मेरे को सीधा करना पड़ेगा फिर मेरे को काफ़ी इजी हो जाएगा इसको कनेक्ट करके इसको Uh, क्या बोलते हैं डिजाइन बनाने में क्योंकि आपका ये क्रॉस है तो इसको पहले सीधा करना पड़ेगा सीधा करने के लिए मैं यूज करता हूँ फोटोशॉप तो क्वेश्चन आ रहे हैं तब तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को ये क्या बोल रहे नीचे सर इसमें बीच में ग्रुप में गलत गिलत क्या होता है क्या होता है गिलत क्वेश्चन सही से लिखिए समझ नहीं आ रहा है सबसे पहले जो फोटोस है उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ पर उसको पहले सीधा करना पड़ेगा मुझे काफी, ये काफ़ी ये ये वाला वीडियो आने वाला है कल वैसे फ़िलहाल क्योंकि पिछले लाइव क्लास में जो किए थे हम लोग उसी का मैं शॉर्ट बना के उसका वीडियो आने वाला है कल ही शाम तक आ जाएगा आ, तो इसको मुझे सीधा करना है सीधा करने के लिए मुझे क्या करना होगा इसको मैं सीधा करूँगा सीधा करने के लिए मुझे जाना होगा

थोड़ा स्ट्रेच हो गया है ओके नो प्रॉब्लम कंट्रोल टी करते पहले कंट्रोल जे फिर कंट्रोल टी फिर इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं लाइक like दिस ऐसा ही कुछ है ना अपना सेव एस कर लेता हूं ताकि इसके ऊपर हम लोग ट्रेस करके काम कर सके एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट अभी उनका क्वेश्चन ये है कि अभी बीच में हम लोग बनाएंगे तो बीच में गोल्ड भी देना है जो बीच का जो पार्ट है उसको गोल्ड करना है ठीक है हो जाएगा गोल्ड भी हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ठीक है अभी जैसे कि उसको हमें बनाना है यानी कि जो ये वाला है ये वाला शेप को ठीक है अब इसका साइज़ क्या है इसका साइज़ जो हमारा बन रहा है थ्री फोर सेवन बाय वन थ्री वन नाइन ठीक है तो सेम उसी साइज़ का मुझे एक प्लेन ले लेना है पहले थ्री फोर सेवन विथ में है थ्री फोर सेवन और हाइट में है थ्री वन नाइन ठीक है फिर ग्रेट फिर जो ये फोटोस हैं मेरे को इसके अंदर डालनी है ठीक है तो मैं सीधा यहाँ पर जाऊँगा ये फोटो को मैंने इसमें अप्लाई कर दिया परफेक्ट साइज़ पे आ गए ओके okay. अभी सेम साइज़ का मुझे एक तो या फिर प्लेन ले सकते हो या फिर बॉक्स ले लो क्या कोई दिक्कत नहीं है प्लेन भी ले सकते हो इस जगह सेम साइज़ का या फिर इसे कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल भी कॉपी क्योंकि सेम साइज़ का ही चाहिए हमें एक ऊपर ले लिया मैंने और मैं क्या करता हूँ टेबल पहले इसको तो करता हूँ पूरा प्लेन कर देता हूँ क्योंकि ये ऐसा नहीं थी मुझे है। बीच में कोई भी सेगमेंट नहीं ऐड आड़, होना चाहिए फाइन फिर इसी के ऊपर ही काम करते हैं और एट टेबल वॉल कर लेता हूँ ठीक है फाइन तो सेम थिंग हमें इधर पे भी करना है कुछ सेगमेंट बना ले जाए सेगमेंट कैसे बनाएंगे कट कर लेंगे यहाँ पर कट टूल से जैसा मुझे चाहिए सेगमेंट्स एक कट यहाँ पर चाहिए देखो इधर पे क्या हो रहा है ना कि जो हमें पहले क्योंकि पहले इसको करना पड़ेगा ये वाले पार्ट को क्योंकि ये इससे कनेक्ट होने वाला है तो ये ये हमारा एंड टू एंड यहाँ पर है तो इसको पहले कर लेते हैं ठीक है अभी इसको इसके साथ में कनेक्ट करना है लाइक दिस ठीक है फिर मैंने सारे सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट ऑल फेसेस फिर राइट क्लिक करते हैं फिर करते हैं बी वल में गए फिर बी में जाने के बाद फिर क्या करते हैं इसको हम लोग पॉलीगॉन ले लेते ले हैं यहाँ से पॉलीगॉन फिर यहाँ पर से मुझे इसको करना है थोड़ा एक्सट्रूड और थोड़ा सा लाइक like ऐसे ठीक है अरे फिर ये ओके हो गया फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर एजेस को सिलेक्ट करना है तो जितने भी एजेस हैं से सेलेक्ट हो जाते हैं फिर वही चीज़ जो मुझे करनी है क्या बोलते हैं हमको करना है चैंपर चैम्पो में कितना चैंपर देना है वो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कितना देना है लाइक दिस ओके ये हो गया ठीक है अभी एक क्वेश्चन था कि इसके बीच में का जो सेंटर का पार्ट है उसको हमें क्या करना था उसको हमें देना था गोल्ड कर कलर देना है उन्हें तो गोल्ड दे देते हैं तो गोल्ड करने के लिए पहले हम लोग को सेंटर वाला पार्ट सेलेक्ट करके चाहिए तो डिटैच कर सकते हो अलग से काट के निकाल सकते हो सेंटर वाले पार्ट को जैसे इतने को ही मेरे को गोल्ड करना है तो उसको मैं डिटैच कर लूँगा अलग से डिटैच कर लिया तो ये मेरे पास एक अलग से आ गया ये अलग हो गया बाकी ये वाला पार्ट अलग हो गया ठीक है का प्लेन को निकाल देता हूँ मैंने अभी पूरा प्रोजेक्शन कर दिया उसी के ऊपर ही यानी उसी वाले प्लेन के ऊपर मैंने कॉपी बना के उसके ऊपर किया तो ऐसा लग गया हाँ वही एक सेम टू तो सेम कलर पे आ गया ठीक है सेम टू तो सेम टेक्सचर के ऊपर आ गया ऐसे ही बन के हमारे पास ठीडी भी बन के आ गया ठीक है तो अभी मुझे इसी को ही क्या करना है गोल्ड करना है अगर राइट तो फिर हम लोग चलते हैं गोल्ड करने क्या है कि हमें वो थोड़ा सा जो गोल्ड के लिए क्या कलर चाहिए रहता था थोड़ा हल्का सा किधर गया इसका ओपन नहीं हुआ है इसको कलर देना होगा गोल्ड के लिए अभी ये गोल्ड का हमारा जो ये है सर्कल ओके अब इसको गोल्ड बनाना है अभी हमें तो गोल्ड के लिए मुझे क्या चाहिए थोड़ा सा कलर भी कुछ वैसे ही कुछ चाहिए ठीक है अभी गोल्ड क्या होता है थोड़ा मेटल लुक आता है तो इसको मैं फैशन फैशन को बंद कर दिया और कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है थोड़ा तो सा गोल्ड चाहिए तो फ्रॉस्टिक गोल्ड कर सकते हो असाइन कर लेते हैं बाकी रेंडर में आएगा या फिर देखो एक और चीज़ होती है या फिर आपके पास कोई मैप हो गोल्ड का मेटल का गोल्ड का कोई मैप हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो और आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो जैसे कि मेरे पास मेटल के अलग अलग वो है टेक्सचर्स हैं तो वो मैं यूज करता हूँ जैसे मेटल मेटल फॉइल है मेटल जैसे गोल्ड का ये रहा या फिर और भी कोई गोल्ड के और भी होंगे वैसे अभी ऐसे ऐसे में आ रहा है तो मेरे को अगर ऐसे चाहिए क्रॉस में तो वैसे भी जा सकते हैं या मेटल का कोई दूसरा कोई गोल्ड का मैप बैच चलते हैं गोल्ड गोल्ड लीप एंड फॉइल वही है यार गोल्ड फॉइल जैसे ऐसा कुछ गोल्ड में चाहिए ठीक है देखिए मैप्स हो जाते हैं इस तरह के मैप्स देखो चमक भी रहा है सही से गोल्ड भी बन गया आपका फाइन तो ऐसे कुछ काम कर सकते हो तो ये रहा इस तरीके से आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है गौरी जी ने एक क्वेश्चन किया था उनको रोप बनाना दिखाना था रोप फाइनली किस तरह का रोप इधर पे उन्होंने हमें कुछ तो भेजा था अपने फोटोज़ भेजे थे ये लाइक दिस इस तरह के रोप के बारे में पूछ रहे थे इस तरह के रोप कैसे बनते हैं अगर ठेडी में बनाना चाहें तो कि क्या कर सकते हैं अगर हमें बनाना हुआ तो उसके बारे में देखते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा चलो देखते हैं जो भी ये किया है अभी हम लोग ने इसको मैं कर लेता हूँ ठीक है रोप बनाते हैं रोप अभी जो इन्होंने जो रोप का इमेज भेजा है इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो काम करने में ताकि हम लोग देख सकें ना रेफरेंस की कुछ कैसे दिख रहा है कुछ हो सकता है कि हमारा शायद सिमिलर ना बने कुछ कुछ आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरीके से बन सकता है मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि इस तरीके से काम कर सकते हैं हो सकता है कुछ कुछ, कुछ सिमिलर ना बन पाए ठीक है ओके तो स्टार्ट करते हैं तो देखो रोप के अंदर कैसा रहता है ना अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें तीन रस्सियाँ होती है साथ में तीन रस्सी एक साथ में ऐसे रहती है तो वो काम करती है तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे पहले तीन सिलेंडर बनाएंगे थ्री सिलेंडर टॉप से बना सकते हो या फिर टॉप से क्रिएट कर लेते हैं ये मैंने टॉप लिया यहाँ पर ओके तो यहाँ पर टॉप से मैं तीन सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ सिलेंडर यार बॉक्स बनाकर ले रहा हूँ पहले एक सिलेंडर बनाता हूँ अच्छा खासा लंबा चौड़ा हाँ चलेगा मुझे सिर्फ कौन सा भी शेप में बना के दिखा दीजिए ठीक है नाइस थोड़ा मैं इसको स्मूथनेस ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि अभी देखो यहाँ पर ये अगर स्मूथ नहीं होना इसके साइड तो काफ़ी वो रफ़ दिखेगा गोला पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा सेगमेंट प्रॉपर होनी चाहिए सेगमेंट ज़्यादा दोगे अच्छा तो अच्छा रहेगा तो स्मूथनेस भी उतनी अच्छी बनेगी और हेड की भी सेगमेंट्स बढ़ा लेता हूँ इसमें हार सेगमेंट भी दो सौ के आर पार जा रहा है मेरा ठीक है दो सौ के पास चले गया अभी एक ही रोप हो गया और एक और मैं इसका जस्ट कॉपी एक और कॉपी कर लेते हैं और एक और कॉपी लाइक ऐसे ठीक है ओके okay. अब इसको मैं क्या करता हूँ ट्विस्ट करता हूँ कमांड में जाके कंपाउंड में जाके यहाँ पर मॉडिफायर लिस्ट में जाके ट्विस्ट लेता हूँ ट्विस्ट ट्विस्ट में इधर पे एंगुलर ट्विस्ट है एक बार ट्विस्ट करके देखते हैं हमारा काम बन रहा है कि उससे वाह हो गया घूम रही है तो सेगमेंट की कमी लग रही है यार मुझे तो सेगमेंट और बढ़ा नहीं सकते दो सौ तक अटक गया है जब मैं हाइट को थोड़ा कम कर दूं, ना ना ना। चलो फिर बाद में अगर हम लोग स्मूथ करना जाए तो स्मूथ से काम हो जाएगा अपना मैं स्मूथ इसको ले लेते हैं ऊपर या फिर ऊपर नहीं होगा स्मूथ से मोटा मोटी काम बन रहा है ठीक है हाँ इसको ले लेते हैं ऊपर ठीक है सिलेंडर के कैप के ऊपर करना है सही कि नहीं कैप के ऊपर सेगमेंट मैं दिया नहीं कैप के ऊपर भी सेगमेंट देना चाहिए था कैप सेगमेंट वन ही है इधर पे उसको भी मैंने बढ़ा लिया तो कैप भी देखो ना कैसा आ रहा था पहले काफ़ी ऐसा रहा था तो उसको मैंने एक सेगमेंट दिया तो काफ़ी हद तक फ्लैट होने लग गया अच्छे से तो कैप को भी मैंने ऐसे कुछ गया तो अभी स्मूथ भी हो रहा है फाइनली ओके तो थोड़ा और भी ट्विस्ट करके देखते हैं फाइन भाई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गया तो स्मूथनेस बढ़ा दें स्मूथनेस का जो है उसका वैल्यू मैंने इंक्रीज़ कर लिया सबका चेंज हो गया Fine. अभी ये तो ठीक है ये सम में आया कि हाँ चलो ये बना दिए अभी इसके अंदर भी देखो ना थोड़ा सा एक और होता है टेक्सचर जो कुछ कुछ है तो उसको रोप टेक्सचर बोलते हैं रोप टेक्सचर आप चाहे तो नेट से ले सकते हो नेट पे से अगर डाउनलोड करें तो मिल जाएगा इजी, तो नेट पे अगर मैं दिखाऊं तो नेट पे आपको बस सर्च करना है रोप टेक्सचर कुछ ये ना 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 ऐसा ना ऐसा नहीं दिखता है वो कुछ नहीं यार क्या हार है आपने हाथ में देखो ऐसे रह सकते इस, इस टाइप के ले सकते हो रूप का टेक्सचर अलग ही होता है यार ये मुझे कुछ और ही उठा के दे रहा है मुझे हाँ ये रहा ये भी है ये भी है ठीक है तो ऐसा कुछ ये रोप के टेक्सचर्स होते हैं तो इनको यूज़ कर सकते हो तो परफेक्टली नहीं 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 फोल्ड वाला नहीं जिसके ऊपर थोड़े से ग्रेन्स आ रहे हैं ना रोप के ऊपर जो रोब के ऊपर देखो ये जो ग्रेन्स आते हैं बाकी तो मैंने तो ये तो फोल्ड तो कर लिया बाकी रोप के जो टेक्सचर्स होते हैं रोप का जो एक uh, मटेरियल होता है वो उसके लिए तो इसको मैं कर लेता हूँ सेवेस जैसे ये भी ले सकते हो या फिर ये भी ये भी कोई बुरा नहीं है मैं फ़िलहाल तो इसको एक बार ले लेता हूँ कर लेता है ठीक है तो अगर मेरे को इसके मैप डालना है टेक्सचर डालना है अभी तो ये क्या सीधा से एक प्लेन सा अभी देखो उसके जो होते हैं ना रॉक के ऊपर एक बाकी हमारा तो फोल्ड हुआ है जैसा फोल्ड होना चाहिए फोल्ड हुआ है मगर अभी और भी फोल्ड करना चाहिए तो और भी कर सकते हैं फोल्ड उसमें ज़्यादा हीट घुमाओ घुमाओ करना पड़ेगा हमें तो जाके हमारा काफ़ी ज़्यादा फोल्ड हो जाएगा कुछ ज्यादा हो गया इतना ज्यादा भी नीचे हमें खिचड़ी बन गई इधर पे ज़्यादा कर भी मैंने कमी रखना चाहिए ठीक है ठीक है तो अभी इसके अंदर मैप्स डालते हैं मैप्स में छह तो ये डाल सकते हो एक बार देखते हैं इसमें कुछ फिगरमेंट मैप कर देते हैं इसको सिलेंडर प्लेनर, पेसेस नहीं बॉक्स दूँगा तो ऐसा कुछ आ रहा है नहीं फिर नहीं, अच्छा प्लेन डाल रहा हूँ तो कुछ ऐसा हाँ ये अच्छा कुछ दिख रहा है दिख रहा हो रस्सी जैसा कुछ बन रहा है ऑलमोस्ट बनी गया कुछ कुछ अभी हम लोग को इसको फोल्ड टाइप का कुछ करना है जैसे अगर मुझे घुमाना है किसी एक तो कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले तो मुझे जो भी टोटल्स हैं सारी चीज़ें सबको एक करना होगा कि तो हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं तो पहले तो मैं क्या करता हूँ एक लाइन ले लेता ले ले हूँ यूज़ जिस लाइन के ऊपर हमें इसको घुमाना है मुझे वो लाइन क्रिएट कर लेता हूँ एक बार जैसे कि अगर मुझे कुछ ठीक है ये रहे हमारी लाइंस और इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ Uh, ऐसे नीचे रहेगा हमारा लाइक like दिस ठीक है अभी इसके अंदर हमको एक ऑप्शन मिलता है Okay. इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ अभी मैं पहले ये जो है ना जो हमें शेप बनाया है अभी ये क्या सब अलग अलग है सबको एक करना होगा सबसे पहले तो एक करने का एक ही रास्ता है कि हमको सबको एक साथ अटैच क्या बोलते हैं इसको बाद में हम लोग स्मूथ कर लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी बन रहा है तो स्मूथनेस हमें बारहवीं भी अप्लाई कर सकते हैं उसको स्मूथ को मैं अभी निकाल दे रहा हूँ ठीक है अब मैं अटैच कर रहा हूँ अटैच यूज़ करते हैं उसके लिए एडिट वाली करना पड़ेगा इसको एडिट पॉली ऊपर फिर अटैच कलर कॉपी कर लेते ले हैं कुछ गड़बड़ी हो तो क्या भरोसा कुछ भी हो सकता है बैकअप बना कर रखो ठीक है अटैच करते हैं फाइन अभी इस पर चले गए ये हमने एक अटैच करके एक सिंगल रख लिया है फिर मैं क्या करता हूँ सीधा यहाँ पर चलते हैं एड करते हैं इधर पे एक होता है पार्ट डिफॉर्म इस पर क्लिक करते हैं क्लिक किया एंड इस पर क्लिक करता हूँ मैं देखो पार्ट के ऊपर अप्लाई तो हो रहा है मगर जाके अभी भी क्या है कुछ कुछ दिक्कतें आ रही है इसको अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा मुझे बंद तो रहा है मामला मगर कहीं कहीं पे इसका सिस्टम गड़बड़ हो रहा है पार्ट टू मूव हाँ आप सही हुआ ठीक है अब इसको चाहो तो बाद में स्मूथ कर लो अभी जो ये पाथ है इसमें पाथ में जो जैसे स्प्लाइंड है स्प्लाइंड को हम लोग शेप जो है शेप को हम लोग कर लेते हैं स्मूथ तो कुछ ऐसा मर है नहीं 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 सेलेक्ट किया फाइन इसको भी चाहो तो इसमें से घुमा के ले सकते हैं ना अंदर से हाँ इसका वो पॉइंट है किधर कुछ ऐसा कुछ से बांध सकता है ओके okay. दूसरा पॉइंट इसके बाद को ना मैं कॉपी करता हूँ एक, एक मिनट ओके okay, ऐसे समझने में ना क्या बोलते हैं उसको so, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ रेफरेंस बनाते हैं इंस्टेंस बनाते हैं ताकि जो भी चेंजेस करूँगा यहाँ पर हमको पता चलेगा हाँ ताकि हमें वर्टेक्स से दिखाई देना यार कौन तो सा किधर वर्टेक्स है बस वैसा बन गया वैसे ऑलमोस्ट ठीक है ऐसा कुछ काम कर सकते हो बना सकते हो बाकी अभी हमारा रेडी हो गया ये पात तो फिर इसको स्मूथ कर सकते हो अभी मैंने स्मूथनेस निकाल दी थी तो इसे स्मूथ कर लो ऊपर से बस बन गया अपना रूप ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर न्यू लाइट का टेक्सचर दिया है पर जैसे ओरिजिनल में होता होती है वैसा शो नहीं हो रहा है लाइट आपको व्हाट्सअप किया है हुँ? हु? कौन सा व्हाट्सअप नंबर है आपका वीडो थ्री पॉइंट सिक्स ज़ीरो इंस्टॉल किया है इसमें तो मटेरियल लाइब्रेरी और कॉस्मोस नहीं है कैसे यूज़ करना देखो आपको थ्री पॉइंट सिक्स जीरो में नहीं मिलेगा वीरे फाइव से आना चालू हुआ है मटेरियल लाइब्रेरी और कॉसमोस इसमें यूज़ नहीं कर पाओगे सर रैबिट सब कुछ लेबल से होता है लेबल क्या चीज़ है भाई मैं रैबिट यूज़ नहीं करता बता नहीं सकता सॉरी ठीक है तो सर एक ग्रुप है हाँ वो तो कर लिया हम लोग ने छोटा हो गया सही से नहीं दिख रहा है फ़ोन पर नहीं वो आ, आपका चैट वाला थोड़ा सा स्क्रीन छोटा हुआ है चैट वाले टाइम पे बाकी हम लोग का जो मेन जो है तो उसमें तो क्लियर दिखता होगा हमारे में एक ग्रुप हाँ ये तो कर लिया था हम लोग ने ये सब हो गया था हमारा सर वीरे से एटमोसफियर कैसे यूज़ करें तो वीडियो सन के बारे में ना हम लोग ने कितनी बार वीडियोस बन चुके हैं यार हमारे तो देख सकते हो हमारे सन के ऊपर वीडियो बन चुके हैं लाइटिंग में अगर जाओगे लाइटिंग वाले आप उसके अंदर भी जाओगे तो आपको लाइटिंग के रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे हम लोगों ने सन के ऊपर भी रिसेंटली बात किया था और सन का हमारे पास डेडिकेटेड अलग से ही है वीडियो तो अभी उसमें क्या अलग कुछ करना है एक्सपोज़र कंट्रोल कैसे करें रेंडर के टाइम आपके पास फ्रेम बफ़र ऑन होना चाहिए जब आप रेंडर करते हो ना आपका फ्रेम बफर ऑन रहेगा तो आप जब रेंडर करते हो एक्सपोज़र फ्रेम बफर में ही कम ज़्यादा कर सकते हो वहाँ से ठीक है उधर पे कंट्रोल मिल जाता है एक्सपोज़र का जैसे फ्रेम बफर आपको एक्टिव करना चाहिए जैसे फ्रेम बफर का आपको वीरे में टैब मिलता है आपको ये एक्टिव होना चाहिए आपका ये बंद है तो आपको फिर वो एक्टिवेट नहीं होगा आपको इधर पर एनेबल करना पड़ता है फिर आपको जो ये इस तरह का फ्रेम बफर आपका अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आपको लेटेस्ट टाइप का फ्रेम बफर दिखेगा या फिर आपको जैसे आपको ये मैं थ्री पॉइंट सिक्स जीरो का है वीरे थ्री पॉइंट सिक्स जीरो का फ्रेम बफर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है इसका एक्सपोजर कंट्रोल यहाँ पर होता है यहाँ से एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से लेटेस्ट वर्जन में आपको एक्सपोजर कंट्रोल कहीं और से मिलता है ठीक है क्लाउड जनरेट नहीं हो रहा है वो वीरे सिक्स में होता है आपके पास वीरे सिक्स है तो उसमें हो पाएगा वीरे सिक्स में ही क्लाउड जनरेट होता है आपका पुराने वर्जन में क्लाउड क्लाउड का ऑप्शन नहीं है ठीक है या फिर अगर पुराने वर्जन में कैसा होता है हम लोग एस डी आर आई डालते हैं एस डी आर आई मैप डालते हैं तो वो क्या इस तरह से बैकग्राउंड मैप होता है बैकग्राउंड आ जाता है एक, एक इन्वामेंट का बैकग्राउंड आ जाता है वो पुराने वर्जन के लिए बाकी लेटेस्ट वर्जन में अगर आप वीरे सिक्स आपको क्लाउड चाहिए एक डेलीकेटेड क्लाउड आप क्लाउड कंट्रोल कर सको तो वो आपको वीरे सिक्स के अंदर मिलेगा ठीक है सर माउस की राइट क्लिक से मेरी मैक्स की स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है रोटेट करने के लिए होम पर जाकर करना पड़ता है राइट right क्लिक से रोटेट नहीं होता है ये इधर पे ये जो हमारा होता है अल प्रसन्न बटन दबाना पड़ता है माउस का मिडल बटन से हम लोग रोटेट करते हैं इस तरह का से ये व्यू पोर्ट रोटेट की बात कर रहे हो आप पुनीत जी मनोज जी हाउ टू मेक क्लासिकल फर्नीचर क्लासिकल फर्नीचर के लिए एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास क्लासिकल वाले तो काफ़ी इजी बन जाता है बाकी मॉडलिंग तो ऐसे नॉर्मली वो मॉडलिंग ही रहती है मॉडलिंग करना पड़ता है पूरा कंप्लीट क्लासिकल का आपके पास थोड़े थोड़े जो पैचेस होते हैं जो साइड साइड पे जो लगाए जाएंगे डिज़ाइनर पैचेस जो होते हैं लाइक like, uh, इस टाइप के जो मैंने पिछले लाइव क्लास में ही बताया था जो आप यहाँ से पिक्सनी डॉट कॉम से ले सकते हो क्लासिकल के एलिमेंट्स आप ले सकते हो जो आप चेयर के ऊपर अप्लाई करते हैं वो उस तरह के एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि वो आप उसके अंदर ऐड कर सको वो सब वो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए उसमें नहीं तो उसको डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चले चले जाता है और बनाने में भी काफ़ी दिक्कत भी आ जाती है तो फिर एक मिनट ओपन हो रहा है तो ओके okay, ओके okay, ये रहा तो इस तरह के आपके पास जो प्लास्टर्स होते हैं इस तरह के जो ये देख रहे हो इस तरह के आपके पास डिज़ाइनर ये मॉडल्स होने चाहिए ये मॉडल आप पिक्सनी डॉट से ले सकते हो कुछ टू हंड्रेड में आपको पूरा प्रॉपर पैकेज मिल जाता है मतलब एक सौ दस फाइल मिलती है इसके अंदर इस तरह से बनी हुई इस ये सब पूरी पूरी सारी सारी फाइल मिलेगी आपको टू हंड्रेड रुपीज़ में ये सब पैचेस आप सीधा आपके क्लासिकल चेयर के ऊपर ऐड कर सकते हो ये सब सारे सारे पैचज़ जो भी आपको आपके क्लासिकल चेयर के ऊपर ऐड करना है जैसे कॉर्नर में आपको ऐसे कुछ पैचेस चाहिए तो इस टाइप के पैचेस आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो इनको ऐड करके आप अपनी चेयर बना सकते हो ये भी टू का है एक दूसरा कलेक्शन है इसमें भी अलग अलग टाइप के आपको पैचेस मिल जाते हैं ताकि उस उसमें डिजाइनिंग के ऊपर आप लगा सको और फिर बाकी जो नॉर्मल चेयर हम लोग क्रिएट करते हैं वो नॉर्मली कर सकते हैं बाकी मॉडलिंग में प्रॉब्लम है तो मॉडलिंग से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं हमारे प्लेलिस्ट भी है मॉडलिंग के ऊपर भी तो आप देख सकते हो प्ले में जाओगे तो आपको मॉडलिंग का भी एक अलग सा प्ले मिलेगा ये रहा मॉडलिंग का प्ले तो इसमें आपको मॉडलिंग के रिलेटेड आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी जैसे कि आपको अगर चेयर चाहिए देखो चेयर भी बनाया हुआ है इधर पे आम चेयर्स कैसे बनाते हैं ये पूरा एक मॉडलिंग का है और आ, कुछ कुछ जो शेप्स होते हैं जो मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ सारी चीज़ें हैं वो सब आपको मॉडलिंग में दिखेगी अब इधर पे और भी सारी चीज़ें ऐड होंगी दिखे देखिए और भी चीज़ें हम लोग अपडेट करते जाएंगे ठीक है तो फिर ये देख सकते हो इसी पर विरेषण यूज़ कर दे किस पे ही विरेषण यूज़ कर दे हम लोग वाव विरेषण में वही तो बोला ना उसमें क्लाउड आपको मिलेगा नहीं ना हाँ क्लाउड आपको चाहिए प्रॉब्लम ऊपर है मेरी ये तो अभी बता दिया मुझे भी भैया दोपहर में व्हाट्सएप पर बात हुई थी ठीक है इस तरह का शेप्स कुछ था उनका उनका कुछ शेप कुछ इस तरह का है पुनीत जी का तो इस तरह का शेप कैसे बना सकते हैं आपको एक आइडिया बता दूँगा कि इस तरह कैसे कर सकते हो तो हो सकता है कुछ कुछ सिमिलर ना बने हमारा भी ठीक है ट्राई करते हैं कि बन जाना चाहिए तो कुछ को जैसे मैं अंदर का तो ये तो बनाने में बाकी मैं शेप आपको बता देता हूँ इस तरह की शेप कैसे बना सकते हो कैसे क्रिएट कर सकते हो ये सब जो थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन है वो कैसे कर सकते हैं तो उसका मैं आइडियो दे, दे देता हूँ ठीक है तो चलो फिर इसको हम लोग सेव कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं एक ही अच्छा पहले सेव कर देता हूं मैं ठीक है hmm. चलो फिर आते हैं हमारे मॉडलिंग पेज पर इसको भी सेवेज कर लेता हूँ एक मिनट एक मिनट करते करते एक मिनट कर मुझे ठीक है।, है वो जो आपका फोटो है उसको मैं कर लेता हूँ ओपन स्लांट मटेरियल एडिटर का कॉन्सेप्ट मैंने किया था इसके ऊपर भी काम यार पहले मैंने कर चुके हैं स्लेट मटेरियल यही था ऊपर जो फर्स्ट वाला है ये है इसको देख सकते हो कॉम्पैक्ट वसेज स्लेट पांच साल पहले बनाया था मैंने अबे नया वाला नहीं है मेरे पास बाकी इनका भी बहुत सारे लोगों ने बना कर रखा है एक साल पुराना भी वीडियो है इनका भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी देखते हैं पहले एक मॉडलिंग का कंप्लीट हो रहा तो इसके फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ऊपर भी काम करते हैं ठीक है तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग डोम बनाने वाले थे तो वो बना लेते हैं नीचे वाला डोम तो इसमें क्या है डिज़ाइन जो दिख रहा है यहाँ पर तो इसके लिए क्या होता है जियो यूज़ कर सकते हो जियो जो है उसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर ठीक है अब ये क्या फुल है इसको हाफ चेयर है हमें इतना फुल की जरूरत नहीं है इसको हेमी स्पेयर कर देते हैं यहाँ पर क्लिक करके ठीक है यहाँ पर क्लिक करके हेम स्पेयर कर देखो फुल हो जाता है ऐसे छोटा हो जाता है हो गया फाइन तो अभी क्या करना है अभी जैसे कि अगर ये चपटा है तो अगर मुझे चपटा चाहिए तो मैं इसको चपटा बना लूँगा ऐसे करके ठीक है और मुझे चपटा हल्का सा चाहिए तो हल्का सा मैं इसको चपटा ऐसे कर लूँगा फाइन तो और आगे अभी मैं इसको करता हूँ ए पॉली फिर जितने भी हैं पॉलीगॉन्स सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट और कर लेते हैं जो नीचे का पॉलीगॉन है उसे मुझे सेलेक्ट नहीं करना है तो मैं अर प्रेस करता हूँ एंड इस तरीके से फिर ये नीचे वाला मेरा डिससेलेक्ट हो गया ठीक है तो फिर अभी मैं क्या करूँगा सीधा यूज़ करूंगा अपना बी वेल प्रोफाइल बी वेल कमांड यूज एक्सट्रूट नहीं बी वेल यूज़ करूंगा बी वेल में गया हूँ बी वेल में जाता हूँ अभी इधर पर देखो इसमें भी ऑप्शन आते हैं क्या होता है एक होता है पॉलीगॉन एक लोकल इसको तो पॉलीगॉन पे जाना है हमें तो थोड़ा एक्सट्रूड कर लेते हैं यहाँ पर और इस तरीके से इसको लाइक like दिस देखो आपका शेप ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर भी देखो ऐसे कुछ है ये भी हमारा ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ रेडी हो गया है ठीक है शेप देख सकते हो ऐसे ही कुछ है ना टिकम टिकगड़म तिगड़ कुछ भी है ठीक है तो ये हो गया अभी ये देख सकते हो इधर पे फिर भी छोटे छोटे ये बचे हुए हैं आ, इस तरीके से तो इसको भी मुझे पूरा फील करना है यानी पूरा एक आ, वन वाटेक्स बनाना तो इधर पे हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं एक बार लाइक ओके फिर इसको मुझे क्या करना होगा इधर पे नीचे आता है एक ऑप्शन जिसे बोलते हैं कोलैप्स जितने भी मेरे जो हैं ये पॉलीगॉन जो छोटे छोटे बचे हुए हैं वो एक कॉलेप्स होकर एक पॉइंट यानी एक का हमारा बन जाएगा वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये हो गया देखो पॉलीगॉन में नहीं गायब हो गया पूरा एक वर्टेक्स बन गया राइट तो इस तरीके से ये शेप रेडी हो गया हमारा अब बच क्या गया है बस शेप तो इतना बन गया है अब क्या कुछ करना है ठीक है शेप इतना रेडी हो गया है तो अभी जैसे कि अभी मेरे को ऐसा कुछ चाहिए कि जैसे ऐसा काटना है और ऐसा काटना है ये कुछ चाहिए तो फिर वैसे कुछ काटना पड़ेगा हमें क्रिएट करना पड़ेगा कटिंग करना पड़ेगा तो फिर कटिंग uh, करते हैं तो कटिंग कैसे पहले तो हम लोग फ्रंट पे जाते हैं ओ, भाई फ्रंट चाहिए हमें हाँ तो फ्रंट पे चलते हैं तो कैसा शेप है हमारा वैसे शेप का एक हम लोग को एक लाइन स्लाइन बना लेता है कवर करना था इसको वेल्ड नहीं किया मैंने फाइन ठीक है तो अभी मैं क्या करूंगा इसको मैं कर लेता हूँ एक्सटूड भाई ज़्यादा नहीं इतना नहीं अरे क्या सुपरमैन हाँ ठीक है तो इसको मुझे एक कॉपी करना है यहाँ पर भी मिरर ओके सेंटर बनना चाहिए सेंटर से कट लेते हैं हम लोग पता नहीं मेरा ये सेंटर इसका ये है ना ठीक है अब मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये चाहिए चाहिएगा बाद में ये शेप तो इसका कॉपी रख लेता हूँ बाकी इसकी ज़रूरत नहीं ये तो मैं कटिंग करने वाला ही हूँ थोड़ा तो और करना पड़ेगा फाइन इसको सेलेक्ट किया फिर कहाँ जाता हूँ मैं फिर जाता हूँ कंपाउंड ऑब्जेक्ट में यहाँ से कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे प्रो बुलियन पे जा सकते हो इजी रहेगा प्रो बुलियन पे क्लिक किया एंड स्टार्ट पिकिंग कट हो गया ठीक है अब जैसे कि अगर ये जो गया है जो ऐसे आ रहा है ये जो पार्ट जैसे एक चीज़ और हो सकती है यार मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि इधर पे उस साइड भी ऐसा कुछ होगा अगर राउंड में अगर होगा तो शायद राउंड में हो सकता है तो फिर मैं इसको ऐसे क्यों काट रहा हूँ ठीक है मैं इसको ऐसे क्यों काट रहा हूँ फिर तो या फिर ये ऐसा कुछ हो सकता है मुझे ऐसे को लग रहा है फेफ डी करता हूँ मुझे प्लस होना चाहिए तो वैसे रखता है काफी ज़्यादा ही टाइम जा रहा है ठीक है एक बार ऐसे कट गया तो फिर एक और बार मैं ट्राई करता हूँ वंस मोर इसको नाइन्टी डिग्री रोटेट करता हूँ नहीं नहीं यहाँ से पूरा गड़बड़ जाएगा हमारा छोड़ ठीक है तो अभी ऐसा शेप बन गया राइट तो मैं अभी इसको यहाँ पर लिया फिर इसको क्लोज किया तो इधर पे मैंने क्या किया तो जो ये नीचे वाला लाइन का जो नीचे वाला पार्ट है इसको डिलीट कर दिया फिर इसको मैंने render label kar liya. ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ है और ये जो है जो पीछे ऊपर की तरफ ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन को आप क्रिएट कर सकते हो लाइन को भी क्या है कि आपको क्या करना होगा जैसे कि ये जो हमने बनाया है अब इसके मुझे लाइन बनानी है ऊपर की तरफ से तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा थोड़ा उसके ऊपर जैसे सुई धागा से करते हैं ना वैसे कुछ करना पड़ेगा तो मैनुअली कैसे कर सकते हो आप इधर पे इसके अंदर स्नैपिंग को ऑन करके रखो स्नैपिंग में वाई ऑन रखो और उससे काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका इसको करना और सीधा हम लोग जाते हैं लाइन में लाइन कमांड में जैसे कि हमें ये सर्कल घुमाना है इधर पे तो सर्कल पे मुझे करना है ऐसे रेडियल ले जाओ काफ़ी ही मोटा हो गया है तो इसको मुझे तो और बारीक करना है ऐसे कुछ ठीक है अब इसके बीच में मुझे आ, रिफाइन देना होगा तो इसको इसको सिलेक्ट करके मैंने क्या कर लिया स्मूथ फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा कुछ जैसा इसमें है थोड़ा नीचे डाउन है जैसे डाउन कर सकते हो फिर कलर अलग देना है जैसे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर कर लो ऐसे फिर ट्रेस करते जाना है सब जगह पे ऐसे थोड़ा तो टाइम जाएगा इसमें मगर बन जाएगा या फिर सीधा कॉपी करके देखो जहाँ पर सिमिलर बनता है वहाँ पर आप इसको कॉपी करके डाल सकते हो डाल दो थोड़ा सा ऊपर नीचे खींचना पड़ेगा और कुछ नहीं ठीक है नेक्स्ट चलते हैं समझ गया ऐसा मोटा मोटी आप ऐसे कुछ रेडी कर सकते हो और बना सकते हो ये ऐसा ठीक है अभी पूरा करने में तो मेरे को काफ़ी टाइम चले जाएगा इसलिए इतने पे हम लोग रुकते हैं तो ऐसा कुछ आपको करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सिक्स ओके तो आपने ये बनाया वो समझ गया अभी तो ग्लो तो आ रहा है मगर बहुत कम आ रहा है राइट right? तो देखो क्या होता है ना अगर आपको थी में करना है तो उसके लिए वही है कि आपको थी में आपको लेंस इफेक्ट उसको ऑन रखना पड़ेगा और आपको फोटोशॉप में करना आपको इसका जो पासेस है ना वो लेके रखना पड़ेगा इसका सिलेक्शन लेके आपको फोटोशॉप में काम करना पड़ेगा तो जैसे एक मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर जैसे कि वॉल हो गए ठीक है इस वॉल के ऊपर मैंने टैक्सी ले लेते हैं कुछ डालते हैं इसके ऊपर भी ठीक है अभी मुझे जैसे कि यही है इसको मुझे ग्लो करना है तो ग्लो कलर जो भी देना आपके ऊपर है मैं इधर पर दे रहा हूँ लाइट मटेरियल दे रहा हूँ आप लाइट मटेरियल से भी दे सकते हो आप चाहे तो इसको देना चाहो तो उससे भी कर सकते हो मीन्स मैच लाइट्स को भी बना सकते हो तो दोनों में से जो भी ठीक लगे वो ले सकते हो ठीक है असाइन कर लिया इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा दिया आप फाई कर दिया और ट्रेंड कर देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और मुझे एक लाइट चाहिए था एक इन्वामेंट लाइट डाल देता हूँ मैं थोड़ा सा डोम लाइट डाल दिया ठीक है तो अभी हम लोग इधर पर रेंडर करके देखते हैं कि कैसा ये लुक बन रहा है यहाँ पर फिर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर देखते हैं ठीक है अब देखो आ तो रहा है मगर क्या कि वो लाइट हो रहा है मगर वैसा वो ग्लो इफेक्ट वैसा नहीं दे रहा है जैसे आपको ग्लो इफेक्ट चाहिए वो आ तो रहा है ऐसे चमक रहा है हाजू बाजू लाइट आ रही है ऐसा लग तो रहा है मगर एक ग्लो का एक अलग से होता है ना एक ग्लो का एक फैदर जैसा लुक बनता है वैसा लुक नहीं बन रहा है राइट right? ऐसा आपके साथ भी हो रहा होगा कि फ़ैदर लुक नहीं बन रहा है तो वैसा फायदर लुक बनाने के लिए एक ऑप्शन होता है कि आप या फिर आ, हमको जो मिलता है लेंस इफेक्ट उसके ज़रिए कर सकते हो या फिर आप फोटोशॉप से भी कर सकते हो लेंस इफेक्ट से आप अप्लाई करके थोड़ा आप इसको बैलेंस करो ग्लो हो रहा है तो कलर चेंज करता हूँ यार ऐसे में ना थोड़ा अलग दिखना चाहिए तो रेड कलर डाल देता है या फिर ग्रीन कलर नहीं रेड कलर ठीक रहेगा दिखाई देगा कहाँ रेड कलर अच्छा धूम पे मैं डाल दिया शेट मैंने लाइट के ऊपर डाल दिया यानी जो बाहर जो डोम लाइट डाला था उस पर डाल दिया मैंने इस पर रेड कलर डालना था इसकी लाइट के ऊपर अब रेंडा करते हैं ठीक है तो कलर को ब्राइट करना पड़ेगा जो अभी इसके जरिए देने से पूरा ओवरऑल सब के सब ब्लर होने ब्राइट अप होने लग जाता है तो एक दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसके जरिए ना करके मतलब तो फोटोशॉप अप्लाई कर सकते हैं तो इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ चलो इसको छोड़ो ठीक है अगर मैं फ़ोटोशॉप से करना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा मैं फ़ोटोशॉप से देने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को इसका सलेक्शन सबसे पहले बनाना पड़ेगा सलेक्शन कैसे बना सकते हो सिर्फ आपको लाइट को देना अलग से एक बार आपने एक रेंडर निकाल दिया जैसे हमारा एक रेंडर ये निकल गया है जैसा भी जो है ये है ये रेंडर हमारा है ठीक है तो ये रेंडर निकलने के बाद फिर मेरे को इसको सेव करके रखना है पड़ेगा एक बार सेव कर लेते हैं वो जाने देते हैं पहले जो भी आया जैसा भी आया आउटपुट तो वैसे हम लोग इसको सेव कर लेते हैं सेव डाउनलोड पे इधर पे टेस्ट के नाम से एंड ओके ठीक है तो फिर चलते हैं थोड़े शॉप नहीं रुको 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 थोड़ा एक और चीज़ करना है तो अभी यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मेरे को अलग से एक सिलेक्शन निकाल के लेना पड़ेगा सिलेक्शन निकालने के लिए हमारे को मिलता है इसके अंदर वीरे के अंदर एक ऑप्शन होता है जैसे बोलते हैं मार्क्स रेंडरिंग तो इसको मैं क्लिक करता हूँ रेंडरिंग सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग ओपन होती है फिर हम लोग जाते हैं यह रही मेरी सेटिंग्स ओके तो अभी इस सेटिंग के अंदर मेरे को इसको क्या करना है इधर पे होता है हम हमको मिलता है ऑप्शन रेंडर मार्क्स रेंडर मार्क्स में सेलेक्टेड पे क्लिक करना है ठीक है सेलेक्ट पे क्लिक करके रखने पे फिर इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर इरेज कर दिया कट कर दिया फिर सेलेक्टेड पे क्लिक किया फिर यहाँ पर मैं ओके फाइन फिर इसको जो सेलेक्टेड है उसको ही मैं रेंडर करता हूँ सेलेक्ट करके इसी मेरे को ये जो काबुम लिखा हुआ है उसका मेरे को अलग से सिलेक्शन चाहिए रेंडर करके तो सेलेक्टर पे क्लिक करके रखा और रेंडर करता हूँ तो देखो सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया था वो सिर्फ वही रेंडर हुआ है यहाँ पर फिर इसी को मैं क्या करता हूँ सेव कर लेता हूँ ओके okay. इसको मैं क्या कर लेता हूँ सेव रख लेता हूँ तो सेव रख लेते हैं तो सेव करते हैं इसको तो सेव करते हैं यहाँ से पी में सेव करेंगे जो भी सेव करेंगे हम लोग पी में सेव करेंगे एक हम आपको जी पी में मैंने इसको अलग से सेव कर दिया जो मेरा जो टैक्स है उसको मैं सेव करूँगा पी में ताकि मेरे को जो ये आजू बाजू का उसका जो बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का वो मेरे को नहीं आया सिर्फ मेरे को बस जो मेरा टैक्स है जो मैंने सेलेक्ट करके रेंडर किया हूँ सिर्फ मेरा वही रेंडर हो ठीक है तो सिर्फ से वही सेव हो तो मैं अभी क्या करता हूँ सीधा मैं अभी फाइल को ओपन करता हूँ इसको ओपन किया ठीक है ये मेरा जो ओवरऑल हम लोग का जो था कंप्लीट तो इसको अगर मेरे को थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सही करना है तो वो कर लेते हैं जो भी जब मुझे मुझे करना है थोड़ा सा ठीक है ये था तो इसको मैं थोड़ा सा इसका जो एक्सपोजर है टेक्सचर कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ ओके फाइन तो अभी ये थोड़ा सा डेपथ में आने लग गया अब मैं क्या करता हूँ अभी अलग से वो क्या कर रहा हूँ मैं हाँ फिर जो वो जो इमेज था उसको करता हूँ प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ फिर जो ये है उसको कर लेता हूँ प्लेस जो वो टैक्स है देखो इसके ऊपर ही प्लेस हो जाएगा सेम उसी जगह पे उसी लोकेशन पे ठीक है तो अभी इस टैक्स को क्या कर सकते हैं मैं इसको ग्लो कर सकता हूँ अलग से ग्लो करने का ऑप्शन हमको मिल जाता है राइट क्लिक करता हूँ इधर पे हमको मिलता है ब्लेंडिंग ऑप्शन ब्लेंडिंग ऑप्शन में कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं इसके अंदर हमको मिलता है ऑटर ग्लो ग्लोकोस ज़्यादा हो गया है को अगर मुझे कम करना है साइज़ बारीक करनी है लाइक ऐसे ऐसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है अभी कलर में कुछ चेंज चाहिए तो वो भी हम लोग ले सकते हैं ठीक है ऐसा कुछ ग्लो बना सकते हैं इसके जरिए देखिए हम लोग फोटोशॉप में काफी कुछ कंट्रोल हम लोग को मिल जाता है फिर अलग से हम लोग उसको ग्लो कर सकते हैं जो भी आपका टैक्स है आसानी से ग्लो हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो ओके तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा हो गया क्वेश्चन ये आपका जो है ना इसको रेंडर सेटिंग सही करना पड़ता है रेंडर सेटिंग आपका सही नहीं है इसकी वजह से इनका इधर ब्लैक बन रहा है इस तरीके से कभी भी होता है ना आप जब भी रेंडर करते हो इस तरह से ब्लैक होता है ना आपका रेंडर सेटिंग में दिक्कत है रेंडर सेटिंग सही से अप्लाई कीजिए अच्छी क्वालिटी का रेंडर सेटिंग कीजिए हाई क्वालिटी कीजिए तो फिर इसमें जो आपका जो ब्लैक हो रहा है ना तो ब्लैक होना बंद हो जाएगा रुको सर फाइल थ्री मैं भेज रहा है तो नहीं हो रहा है एमबी फाइल नहीं जा रहा है ठीक है देखो आपका दो सौ का फाइल है तो आप सीधा वी ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप गूगल ड्राइव पे डाल के दो सौ की फाइल है गूगल ड्राइव पे डाल के फिर उसको लिंक शेयर कर सकते हो डाउन नहीं शेडो है हो गया कुछ टाइपिंग में गलती से हो गया निकल गया भाई सॉरी ठीक है वीरे मटेरियल लाइब्रेरी कॉस्मोस होने से क्या फ़र्क पड़ता है 3.60 सिक्स जीरो वीरे फाई में डिफेंस थोड़ा करके बताइए भाई कॉस्मोस में आपको रेडीमेड मॉडल्स मिलते हैं मटेरियल में भी रेडीमेड मटेरियल्स मिलते हैं थ्री पॉइंट सिक्स जीरो में वो सब सारी चीजें मिल पा मिल पाएगी और वीरे फाई में कुछ एडवांस और भी ज़्यादा जो होते हैं हमको फ्रेम बफर में और भी सेटिंग्स मिलती है एक्स्ट्रा शहर में वीरे मटेरियल लाइब्रे वीरे मटेरियल लाइब्रेरी वीरे फाइव को इंस्टॉल करने के बाद मिलते हैं भाई उधर पे आपको फ्री में मिलता है फिर वीरे फाइव में जब इंस्टॉलेशन करते हो लाइट रेंडर व्यू के लिए डोम और विरेसन नीड है क्या डोम नीड है वीरे सन नौ वीरे सन की जरूरत नहीं है डोम नीड है एनिमेशन हाई क्वालिटी फुल एस डी में आउटपुट कैसे निकाले सेटिंग प्लीज़ देखो एनिमेशन रिलेटेड मैं इधर बता नहीं पाऊंगा एनिमेशन आपको ये पेड टूटूल्स से रिलेटेड है आपको पिसनी डॉट कॉम पर से पेड ट्यूटोरियल लेना पड़ेगा पिकनी डॉट कॉम पर आपको एनिमेशन के पेड ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं एनिमेशन में जाइए पिक्सनी डॉट कॉम पर जाओगे आप पिकनी डॉट कॉम पर जाकर एनिमेशन में जाओगे एनिमेशन मेन्यू में जाओगे इसके अंदर आपको एनिमेशन के अलग अलग ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आप अपने प्राइसिंग के हिसाब से आप ले सकते हो जैसे कि अगर आपको कम प्राइजिंग में चाहिए तो कम से कम में इधर पाँच सौ रुपये का पूरा एक एनिमेशन का वर्क थ्रू एनिमेशन का इसमें सेटिंग्स कैसे करनी है कैमरा एनिमेट कैसे करना है ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है इसके अंदर ये देख सकते हो और एक्सटीरियर के लिए भी ये भी देख सकते हो ये वाला भी एक्सटीयर के लिए छोटा सा और ये है थोड़ा पीपल एनिमेशन के लिए एनिमेट करने के लिए अगर आपको फुल टूटवल देखना है फुल टूटवल चाहिए आपको एनिमेशन से रिलेटेड ये काफ़ी है फुल टुटोरियल थ्री सिक्सटी इंटीरियर एनिमेशन वर्क थ्रू थ्री डी मैक्स हिंदी टूटल है कुछ इसका प्राइजिंग भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें पूरा फुल है सारी चीजें बता के रखी हुई हैं ठीक है तो ये देखना है तो ये देख सकते हो और से भी कम में जाना है तो कम में तो एनिमेशन और तो वन में आ जाता है ओके मैंने एक ब्लॉक इंपोर्ट किया था बट उसका मटेरियल नहीं आया पूरा फर्नीचर ब्लैक आ रहा है सोल्यूशन देखो डिपेंड करता है कि आपका जो फर्नीचर हो कि आपका करोना रेंडर का फर्नीचर आपने वीरे इंस्टॉल करके रखा है थी, अपने मैक्स के अंदर करोना नहीं है तो उसकी वजह से आपके उसके अंदर ब्लैक दिख रहा है ठीडी मैक्स में क्योंकि करोना आपके पास इंस्टॉल ही नहीं हुआ है करोना मटेरियल्स हो सकता है आपका जो आप फर्नीचर इम्पोर्ट कर रहे हो वो उसको आप देख लीजिए अगर आपको इधर पे मिसिंग दिखा रहा है आपने ठीडी में वीरे इंस्टॉल करके रखा है ये जरा बता दीजिए इंस्टॉल करके रखा है इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इम्पोर्ट करते हो और आप जब उसके मटेरियल को चेक करते हो यहाँ पर ब्लैक आ रहा है इधर पर लिख के आ रहा है मिसिंग तो हंड्रेड हो सकता है कि वो करोना मटेरियल हो हंड्रेड परसेंट करोना मटेरियल ही होगा अगर इधर पे वीरे नहीं लिखे आ रहा है ना ही स्टैंडर्ड लिखा आ रहा है ना ही में रेड लिखा आ रहा है उसके मटेरियल को सेलेक्ट करने के बाद पिक करने के बाद इधर पिक करोगे उसके मटेरियर को जो ब्लैक कलर का दिख रहा है तो पिक करके तो इधर पे अगर मिसिंग लिख के आ रहा है इधर पे इधर मिसिंग लिखे ना 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 लिख के आ रहा है ना कुछ लिख के आ रहा है मिसिंग है समझ लो हंड्रेड्रेड परसेंट करोना मेटियल से आपको करोना रेंडर इंस्टॉल करना होगा तब आपको वो फर्नीचर शो होगा ठीक है डोम डालूंगा तो स्काई का कलर वाइट हाँ मेरे रियलिस्टिक लाइट व्यू में चाहिए कैसे करूँ देखो स्काई के लिए ना डोम डालो डोम के अंदर एस डालो ठीक है डोम में एस डालो नाइट व्यू वाला एस तो उसमें अच्छे खासे से काम हो जाएगा और आपको ये दिक्कत हो रहा है कि हाँ सेटिंग कैसा कौन सा तो आपको मैं सबसे सिंपल सिंपल अगर आपको टेंशन आ, फ्री होना है कि भाई मुझे सिंपल वाला कोई बता दो आइडिया 500 में एक सेटिंग मिलती है लाइटिंग की सेटिंग्स वो ले सकते हो तो इसके अंदर आपको पूरी पूरी सेटिंग्स मिल जाती है लाइटिंग से रिलेटेड आप उससे आप नाइट व्यू बना सकते हो उससे आप आफ्टरनून व्यू बना सकते हो उससे आप आफ्टरनून व्यू इवनिंग व्यू एंड लाइक दिस इस तरह से नाइट व्यू भी क्रिएट कर सकते हो ये सारे से कंप्लीट फाइल मिल जाती है आप इसके अंदर देख सकते हो इस तरीके से ये थोड़ा छोटा सा स्टोरील है इस तरह की फाइल्स मिलती है ये जो आप देख सकते हो फाइल ये जो डोम लाइट एंड सन लाइट को ड्रैग करके ऐसे कुछ पूरा रेडीमेड फाइल मिलती है डोम डोम लाइट और सन लाइट की सेटिंग्स मिलती है साथ में तो उसको आप सीधा ड्रैग इंपोर्ट करके अपने फाइल के अंदर सेम ऐसा लाइटिंग सेटिंग बना सकते हो उस सेटिंग के अंदर लाइटिंग की सेटिंग होकर रखी है डोम में एच डाल के रखा हुआ है नाइट का एच डाल के रखा है इवनिंग का एच डी डाल के रखा है मॉर्निंग का एच है देखो ये इवनिंग का लगभग एच डी है ठीक है यानी नाइट का है आई ऑलमोस्ट हाई थिंग सो हाँ नाइट का जा रहा है तो अभी जैसे कि अभी एक और ट्रैक करेंगे अभी नेक्स्ट एक और इम्पोर्ट करके दिखाएंगे वन मोर एक और इम्पोर्ट किया ये देखो इधर पर इसके अंदर ये नाइट तो बनाए अभी अंदर की तरफ की जो लाइट डालते हैं जो विंडो के थ्रू हम लोग को लाइट दिखाई देती है वो उसके अंदर डाला गया है इस तरीके से तो इस तरीके से डालने के बाद ये सब फाइल आपको ये फाइल जो फांसो का फाइल लेंगे तो वो फाइल आपको ये लाइट वाइट मिल जाती है उसके अंदर इस तरीके से आप इम्पोर्ट कर पाओगे इस तरह से यूज़ कर पाओगे फिर जब मैं इसको दिखाऊंगा ये देखिए तरीके से आउटपुट आ जाता है ठीक है तो अभी सेम थिंग अभी नेक्स्ट next... ओ सॉरी 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 आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है शिट <laughs> ओके ओके ठीक है अब नजर आ रहा है है ठीक तो अभी यहां पर जो है थोड़ा डबल स्क्रीन की वजह से कभी कंफ्यूज हो जाता है हाँ। तो जो इधर पे हाँ ये आपको इधर पे पिक्सनी डॉट कॉम पे से ये आपको मिल जाता है आपको कहां पर जाना होगा पिक्सनी डॉट कॉम पर जब जब आप जाओगे यहां पर शीन के अंदर रेंडर स्टेप के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जब जाते हो आप तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर देखो आपको ये रेडीमेड लाइट होती है ये लाइट आप देख सकते हो इस रेडीमेड लाइट को ये आप फाइल ले सकते हो फाइव फाइव हंड्रेड की फाइल्स होती है इस तरीके की तो इसके अंदर आप देख सकते हो तो इसके अंदर आपको जब इस इनकी फाइल को इंपोर्ट करते हो इसके अंदर आपको डोम लाइट और सन लाइट की सेटिंग्स रेडीमेड मिलती है तो इसको आप जस्ट इंपोर्ट करके ही आप पूरा एक लाइटिंग बना सकते हो आपके हिसाब से सिर्फ आपको इंपोर्ट करना होता है सिर्फ लाइट को इंपोर्ट करना होता है जो लाइट की फाइल आपको मिल जाती है आपका फिर वो वो लाइटिंग सेटिंग रेडी हो जाता है इसके अंदर आपको सिर्फ लाइट की फाइल मिलेगी ना ही रेंडर सेटिंग मिलेगी ना ही कोई मॉडल मिलने वाला है सिर्फ आपको लाइट की फाइल मिलने वाली है यहाँ पर तो लाइट की फाइल अब जैसे ही आप आपने सीन में डालोगे इस तरह से आपका नाइट व्यू बन जाएगा नेट व्यू में आप बोलेंगे अभी विंडो के ऊपर तो लाइटिंग नहीं आ रही है विंडो के, के लिए लाइटिंग के लिए विंडो लाइटिंग का भी अलग से दिया हुआ है उसको मर्ज करने के बाद इस तरीके से आपको विंडो लाइटिंग मिल जाती है ये सब जो विंडो लाइटिंग होती है जो विंडो के अंदर डालने के लिए रहती है इस तरह से विंडो के अंदर डाल के इस तरह से आपको अप्लाई करना होता है इधर पे एक और है जो इसके अंदर मिलती है जो बोलते हैं आइस लाइट आइस लाइट भी इधर पे आपको मिल जाती है इसके इसके अंदर फाइल के अंदर ही आपको मिल जाएगी आइस लाइट तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है फिर आपको रेंडर करना है अप्लाई करने के बाद तो आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से आपको आउटपुट बन जाता है तो ये है नाइट क्विक लाइटिंग फाइल है ये क्विक लाइटिंग स्क्रिप्ट समझो या फाइल समझो ठीक है क्विक लाइटिंग सेटिंग है ये यानी कि फाइल है लाइटिंग के लिए तो ये आप लेना चाहो तो ये आप ले सकते हो पी डॉट कॉम पे से मिल जाता है फाइव हंड्रेड रुपीज़ में अभी अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो वॉ टेन वाला कूपन कोड डालो तो आप टेन परसेंट तक का ऑफ हो जाएगा इसमें ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वेरे मटेरियल वाला ब्लॉक है जब दूसरे फाइल में इंपोर्ट करता हूं तो ब्लैक आ रहा है एंड जब भी वही ब्लॉक वाली फाइल डायरेक्ट ओपन करता हूं तो आप छोटा सा मुझे पिक भेज सकते हो व्हाट्सअप पे तो सब समझेगा कि आपका कैसा दिखाई दे रहा है पिक या फिर कुछ वीडियो भेज सकते हो कि हाँ इधर पे ऐसा दिख रहा है मेरे उधर पे ऐसा दिख रहा है तब तो समझेगा कि हम लोग दिक्कत क्या चल रही है कोरोना रेंडर कैसे इंस्टॉल करें कोरोना रेंडर के लिए आपको कोरोना की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लेना पड़ेगा कोरोना ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि सीधा कोरोना रेंडर सर्च कीजिए गूगल पे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट क्योंकि आपको उसके ऊपर काम नहीं करना है ना सिर्फ आपको चेक करना है कि वो फाइल है कि नहीं तो फिर आप सीधा कोरोना रेंडर जो है सीधा वो डेमो वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो इंस्टॉल करके कर देख सकते हो ठीक है थैंक यू सर एक प्रॉब्लम है द रियलिस्टिक इंटीरियर का फ्लोरिंग कैसे करूँ लाइक इतना ग्लोसीनेस कितना रिफ्लेक्शनस चाहिए देखो वो क्या है कि जब आप करते जाते हो ना काम आपको रेंडर करते करते देखने में पता चलता है कि हाँ इतना रखना है इतना नहीं रखना ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई आउटपुट में कैसा दिखना है आपको आउटपुट जब आप एक बार रेंडर मारते हो तो आपको कैसा लग रहा है कि हाँ भाई कम है तो थोड़ा थो और बढ़ा लो रिफ्लेक्शन को आपके अकॉर्डिंग तो, तो कोई फिक्स नहीं है फिर आप सीन के अंदर मैं एक अमाउंट बना दूँ बोले अरे आ तो नहीं रहा है इसमें ठीक है तो डिपेंड करता है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब रेंडर करते हो ना उसी टाइम पर देख लिया कीजिए रिफ्लेक्शन हंड्रेड परसेंट रखने का फिर जाके बाकी ग्लॉसनेस को थोड़ा सा कम करते जाओ वैसा कुछ कर सकता बाकी अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो इधर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको फ्लोरिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो फ्लोरिंग के ऊपर वीडियोस हमारी बन चुके हैं तो फ्लोरिंग के रिलेटेड जैसे ये है वीडियो और फ्लोरिंग के लिए ये वीडियो है तो ये भी फ्लोरिंग का ही वीडियो है और फ्लोरिंग मटेरियल फ्लोरिंग या फिर टाइल टाइल लिख सकते हो टाइल टाइल फ्लोरिंग ये भी फ्लाइट टाइल ही है और ये भी है दो मिनट पे बताया गया पीवीआर मटेरियल्स के बारे में ये भी देख सकते हो आप ठीक है प्लीज चेक व्हाट्सएप स्केल प्रॉब्लम कौन सा है स्केल प्रॉब्लम आपकी ये फाइल भेज सकते हो हमें तो हम जरा अच्छे समझ जाएंगे इसके फाइल को देखो क्या करो आरकैब करके भेजो इसका जो मॉडल होगा ना आपके पास ये जो है आपका क्वेश्चन आपका इधर पे ऐसे आ रहा है और इधर पे आपका ब्लैक आ रहा है क्यू आ रहा है तो इसको हम लोग अच्छे से चेक कर पाए आप इसका मेरे को मॉडल भेजे हो ये जो मॉडल है इसका जो मेन मॉडल है उसको अरकाइब करके भेजो आरकै करके कैसे भेजोगे जो अगर आपके पास है ऐसा मॉडल अलग से रखा होगा ना मॉडल जिप फ़ाइल ऐसा कुछ तो वही पूरा उसका जिप फॉर्मेट ही मेरे को व्हाट्सअप करो या फिर या फिर ई कर सकते हो ई किस पर करोगे और मेरे चैनल का नाम काबुंग टेकेस और एट जी मेल डॉट कॉम लिख दीजिए सेम वही पे ये जो काबुंग टेक्स होगा और एड द जी मेल डॉट कॉम पर आप मेल्स कर सकते हो ठीक है तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि दिक्कत क्या है इसमें फाइल के अंदर दिक्कत है कि आप किस सेटअप में दिक्कत है आप अच्छे से इम्पोर्ट कैसे नहीं कर पाते इम्पोर्ट करने के बारे में बता दोगे कैसे इम्पोर्ट किया जाता है उसमें ठीक है चूंकि जाके इधर पे आप बोल रहे इधर ब्लैक दिख रहा है तो मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कोरोना मटेरियल है क्यों ऐसे मुझे लग रहा है तो एक तो ये हो सकता है या फिर आप इम्पोर्ट करने में दिक्कत क्रिएट कर रहे हो इम्पोर्ट कर रहे हो मगर जाके प्रॉपर तरीके से आपसे इम्पोर्ट नहीं हो रहा है इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है या फिर एक चीज होता है हो सकता है कि आपका जो टेक्स्र है वो मिसिंग हो रहा है टेक्स्चर मिसिंग हो रहा था आपको क्या करना होगा आप ये कर सकते हो कि अगर आपका टेक्स्चर मिसिंग हो रहा है तो जो भी टेक्स्चर को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा Uh, इधर पे होता है एस एस ट्रैकिंग ठीक है एस एस ट्रैकिंग में जाइए ओपन हो रहा है यार हाँ यार एस एस ट्रैकिंग इधर पे अगर कुछ अगर आपके जो मटेरियल होंगे इधर पे मिसिंग दिखा रहे होगा जो आपका बैट वाला जो मटेरियल से इधर मिसिंग दिखा रहा होगा उसको ही आपको क्या करना होगा जैसे इधर मेरा एक ही है ये मटे इधर भी ओके दिख रहा है तो इधर पे आपको मिसिंग दिख रहा होगा तो उसको क्या करना होगा जो सेट करना होगा आपका जो टेक्सचर है जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे अरे यार मैथ से है जैसे कि जो आपका ये जो टेक्सचर्स है जो आपका ये जो है ये जिद ठीक है तो आपका जो ये टेक्सचर है तो इसके अंदर क्या हो सकता है आपने जो ओपन किया तो इधर पे आपको मिसिंग दिखाएगा इस जगह पे। ये मैंने कहाँ से निकाला ये आपको मिलता है इस जगह पे। ये आपको मिलता है ये जो एस ट्रैकिंग है ये आपको मिलता है मेन्यू में जब जाते हो आप यहाँ पर इधर पे होता है एस ट्रैकिंग फाइल मेन्यू में जाके इधर पे भी जब आप क्लिक करते हो तो आपको मिलता है रेफरेंस के अंदर एस एस ट्रैकिंग तो इधर पे इस तरीके से ओपन हो जाता है तो इधर पे क्या आपको दिखाता है आपके अंदर मटेरियल कौन से है कौन सा वाला मटेर था उसके अंदर ये ओके है कि नहीं है इधर भी दिखाएगा इधर मिसिंग हो तो इधर मिसिंग दिखाएगा मिसिंग दिखाया तो इधर पे जहाँ पर भी जिस जगह पे वो टेक्सचर रखा हुआ है आपका वो टेक्सचर को आपको सैटपात करना होगा वो लोकेशन आपको बताना होगा किस जगह पे आपने टेक्स्चर वो सोफ़ा का टेक्स्चर किस जगह पर रखा हुआ है वो आपको दिखाना होगा तो फिर वो वहीं से वो सोफ़ा का टेक्स्चर उठाएगा और अप्लाई कर देगा जो आपका ब्लैक ब्लैक आ रहा है ठीक है ओके okay. जब भी कोई मॉडल इंपोर्ट करता हूँ तो थ्री डी मैक्स पर उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करूँ स्केल में प्रॉब्लम हो रहा है कैसे ठीक करूँ भाई स्केल वैसे प्रॉब्लम आपने साइज से जो फाइली जो बनाया से उसका मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है जो आपने फाइली बनाया होगा उससे में उसका मेजरमेंट हो सकता है प्रॉपर ना हो ये हो सकता है क्योंकि कभी भी ऐसा होता नहीं है मेरे साथ तो अभी तक तो कभी हुआ नहीं या फिर आपने जहाँ से ही मॉडल उठाते हो ना फ्री वाले फ्री वाले उठाते हो ना हाँ तो फ्री वाले मॉडल थोड़े से गड़बड़ वाले होते हैं तो उसमें दिक्कत होती है तो उसको स्केल करने का वही चीज़ है फिर आप मैनअली स्केल टूल से लो समझ लो आपने कुछ मॉडल को इम्पोर्ट किया है फिर आपको फिर धीरे धीरे आपको उसको सेलेक्ट करो और, और सेलेक्ट करके कंप्लीट को आपके आपके सीन के हिसाब से छोटा कर लो या फिर बड़ा कर लो क्योंकि जो अच्छे वाले जो होते हैं ना मॉडल वाले उसके अंदर इस तरह की दिक्कत नहीं होती है स्केल वाली चाप के साथ हो रही है मेरा आंसर नहीं दिया क्या आंसर था आपका शुभम दीक्षित जी चेक व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो चेक कर रहा हूँ मैं किधर है व्हाट्सअप आपका आपने आपका नंबर क्या है जरा शुभम दीक्षित जी आपका नंबर क्या है कि जो मैंने आंसर नहीं दिया आपका ओके okay. मैंने आपको आंसर बताया था बीच में चलो फिर से बताया था देखो ये हो सकता है ना आपका जो रेंडर सेटिंग है उसमें दिक्कत है रेंडर, से, रेंडर सेटिंग को सही करो तो उससे सही हो जाएगा और या फिर रेंडर सेटिंग में क्या करना पड़ेगा ना आपको रेंडर सेटिंग में जाओ इस तरह का अगर आपको दिक्कत आ रहा है जैसे कि आपने जो ये भेजा हमें लाइक like दिस इस तरह का दिक्कत जो आ रहा है आपको आपको रेंडर सेटिंग में थोड़ा सा सेटिंग बढ़ाना पड़ जाएगा आप एक काम कर सकते एक काम करो रेंडर साइड में जो आपने इधर पे इंटरेस्ट मैप करके रखा है ना इसको एक बार ना एक बार सिर्फ एक बार उसको ब्लूटफोज कर दो ठीक है थोड़ा रेंडर में टाइम जाएगा टाइम जाएगा वो अच्छा खासा टाइम जाएगा व फिर जो आई थिंक सो ये जो आपका प्रॉब्लम है सारे से सॉल्व हो जाएगा उस चक्कर में तो एक बार ब्लूटफोज करो फिर रेंडर करके देखो ठीक है सबसे सिंपल थोड़ा टाइम जाएगा अच्छा खासा क्योंकि क्लियर चाहिए तो टाइम तो जाएगा उसके लिए तो एक बार इसको ब्लूटफोज करके फिर रेंडर कीजिए फिर फिर देखिए चेक करके ठीक है सर ऐसा नहीं है मॉडल का साइज ठीक है ओके ठीक है क्लाइंट का एक मॉडल में जितना स्पेस है ठीक है ओके लाइक like एक बेड डालना है ओके डालना है ओके ठीक है तो उसका बेड का साइज थोड़ा बड़ा है तो कैसे उसका सही करें तो क्या कर सकते हो थोड़ा स्केल में नहीं आपको मॉडलिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जस्ट एग्जाम्पल जैसे कि क्लाइंट का बेड कुछ ऐसा है उसका स्पेस इतना खाली है राइट तो आपको इसके ऊपर कुछ एक बेड है आपका कुछ, -कुछ है, सोफ़ा है कुछ आपके पास कुछ इतना छोटा सोफ़ा है ठीक है आपको इतना बड़ा बनाना है उसे लाइक ठीक है <laughs> ऐसा कुछ है आपका सोफ़ा आपको कुछ इतना बड़ा तक मैं जाके इधर पे क्या है कि ये कुछ होगा कितना है टू सीटर है थ्री सीटर है तो उसकी सीटर्स को आपको इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा अरे यार मैं क्या स्क्रीन को चेंज नहीं करना भूल जाता हूँ ठीक है फिर से फिर से फिर से यार मेरा मेरी गलती ठीक है तो जैसे कि अगर आपको वीरे सीखने का कोई चैनल अभी पता नहीं ऑनलाइन कोई वीरे सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है इस टाइम पे क्योंकि पेड़ कोर्स चल रहे हैं शायद से सबके जैसे आप जैसे सपोज ये एक साइज़ है ठीक है तो एक बेड आपके क्लाइंट ने कुछ ऐसा साइज़ दिया है और आपके पास कुछ मॉडल है कुछ आ, इस साइज़ का सोफ़ा है ठीक है कुछ रफ एंड रफ इस साइज का सोफा है ऐसा कुछ है ठीक है कुछ इंपोर्ट करूँ क्या यहाँ पर देखता हूँ मैं मॉडल्स इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर वैसे ना थोड़ा सा अच्छे समय आ फिर बेड बेड सोफा फर्नीचर नहीं भाई यार बहुत ठीक गलत है नहीं, नहीं, नहीं। जैसे लाइक मैं इसको करता हूँ मर्ज यहाँ पर उसका मेरे में टेक्सचर मिसिंग आ रहा है तो उसको मैं टेक्सचर मिसिंग सही कैसे करूँगा मैं सीधा एस एस ट्रैकिंग में जाऊँगा अपने मेरे एस एस ट्रैकिंग में मेरे सोफ़ा का जो टेक्सचर है एकदम मिसिंग दिखा रहा है ठीक है तो मेरे को पता है कि मेरा सोफा का मटेरियल किधर पे है नंबर वन का वाला सोफ़ा का मटेरियल ये रहा इधर मैप इधर पे है टेक्सचर इधर पे है तो इस जगह पे है तो मैं इधर पे ही उसके टेक्सचर को ये वाला लोकेशन दे दूँगा सेट पाथ करता हूँ इधर पे क्या करता हूँ उसके पाथ को डालता हूँ ओके okay करता हूँ ओके okay हो गया देखो ठीक है इधर पे ओके okay हो गया तो इधर टेक्सचर भी मेरा ओके okay हो गया फाइन इस तरीके से टेक्सचर को सही किया था है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे कि क्लाइंट ने भेजा इतना लंबा चौड़ा मगर मेरे पास सोफ़ा है ये वाला ठीक है अभी उसका सोफ़ा जैसे कि है थ्री सीटर टाइप का सोफ़ा है इसके लिए डिस्टेंस है हमारे पास जो मॉडल है टू सीटर का मॉडल है तो उसको थ्री सीटर में कैसे चेंज करूँ तो उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो लाइक like, ठीक है तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं एंड ओपन करते हैं सबसे पहले तो इसकी जो इसको थ्री सीटर बना लेते हैं कॉपी करके थ्री सीटर हो गया आप चाहो तो चार सीटर का भी बना सकते हो ऐसे कुछ अभी बोलेगा ये तो इतने पे ही है इसको और ज़्यादा डिस्टेंस पे हम खींचना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है सेमेट्री होता है सेमेट्री यूज़ कर सकते हो सर आपको जिप फ़ाइल भेजिए ठीक है ठीक है देखता हूँ मैं एक मिनट तो बहुत ही हैवी है यार उल्टा हो गया Pache, sea, lag, lag, no me preocupa, se habla, no. पहले सोफा को ना ऑप्टिमाइज़ थोड़ा कर लेता हूँ हम्म अब सही है भाई मैं इसको क्या करता हूँ फिलेट करता हूँ फिर करता हूँ लंबा जितना मुझे चाहिए लंबा थोड़ा और लंबा चाहिए तो मुझे तो फिर से एक और सबेट करता हूँ ठीक है ऐसे मैंने फोर सीटर का बना लिया इसको इस तरीके से तो सेम टू सेम मैं इसके साथ भी वैसे ही कर सकता हूँ कॉपी तो किया पेस्ट नहीं उसको कुछ नहीं कर इसको निकाल देता हूँ okay. तो अभी मैं थोड़ा सा जो ऑप्टिमाइज़ किया था उसको बंद कर देता हूँ ठीक है अभी उन्होंने एक फाइल भेजा है उसको देख लेते हैं रेलिंग बिट मैप या कलेक्ट एस एस कीजिए ना एस एस ट्रैकिंग तो हो जा, वाला है हाँ दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो मैं बेसिक यूजर्स के लिए मैं बता दिया रिसोर्स कलेक्टर और अर्काइव अर्काइव तो डिफॉल्ट आता है रिसोर्स कलेक्टर कहाँ होता है वो आई थिंक जो अलग से ऐप होता होगा मेरे को पता नहीं रिसोर्स कलेक्टर अलग से देखो एक तो हम लोग इस कलेक्टर एस से भी हम लोग अरकाइब कर सकते हैं और अलग से हम लोग रीलिंक में भी ऑप्शन होता होगा उसमें भी अरकैब करने का अलग अलग प्लगस में भी अरकाइब करने का ऑप्शन होता है और अरकाइब हाँ जी ओके ठीक है इस तरीके से मेरा सोफ़ा लंबा चौड़ा बन गया इस लंबे चौड़े सोफों को मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ अपनी जगह पर जितना थोड़ा बहुत अगर मुझे लगता है कि अरे यार थोड़ा और भी बड़ा होना चाहिए तो थोड़ा स्केल से हल्का फुल्का हम लोग ट्विक कर सकते हैं ऐसा कुछ मैं ऐसे नहीं करूँगा ऐसे बीच वाले से बीच वाले ओवरऑल चार बजे से होने लगेगा मैं ये वाला जो नीचे वाला प्लेट है ना ये जो प्लेन वाला इसको यूज़ करूँगा स्केल करना इससे क्या कि ये इसकी हाइट नहीं बढ़ती है ये ओवरऑल ऐसे चौड़ा हो जाता है ठीक है मोर में यूटिलिटी में अच्छा इसकी बात कर रहे हो गए एक मिनट इसमें रिसोर्स ट्रैकर कलेक्टर पे क्लिक किया ये भी सेम वही है यार रिसोर्स कलेक्टर बिट मैप को कलेक्ट करते हैं अभी ये इतना लंबा चौड़ा सबको बताओ कि भाई मोर में जाओ यहाँ पर जाओ तो देखो वो भी वही चीज़ करता है मैं इसमें क्या क्या ऑप्शन अलग से है कलेक्ट बिट मैप एंड फोटोमेट्रिक फाइल्स ओके ठीक है वो भी वही सारी सारी चीज़ें हैं इंक्लूड मैक्स फाइल मैक्स फाइल भी हमें चाहिए इसके अंदर आपको मार्क करना पड़ता है मुझे मैक्स फाइल भी चाहिए मेरे को ये भी चाहिए मेरे को ये भी चाहिए मुझे कंप्रेस भी करना है ये बनाना पड़ेगा और ये देखो इसमें ये अरकाइव का पाथ दिया हुआ है आप यानी कि आपको अर्काइव से कलेक्ट करके डायरेक्टली चाहिए कि हाँ भाई उधर फोल्डर में ऐड हो जाना चाहिए जो भी है जैसे कि अगर मेरे को ये जो फ़ाइल है ये जो मैंने अभी सोफ़ा बनाया हूँ तो अभी इसका अगर मैं अरकाइब करने जाता हूँ अरकाइब में क्या होता है कि क्या करता है वो कि सीधा सीधा जिप फाइल बना देता है डायरेक्ट जिप फाइल बनाने का ऑप्शन आता है मेरे को यहीं पर भी करना है मैं इसको करता हूँ एक डाउनलोड में जाके तो यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट के नाम से ठीक है तो ये मेरा एक जिप फाइल बनाया टेस्ट के नाम से उसके अंदर मेरे को मैक्स फाइल भी मिल जाएगी क्या दिक्कत है स्पेस खाली नहीं है क्या स्पेस तो खाली है तब भी यहाँ पे कर लेते हैं न्यू फोल्डर टेस्ट फोल्ड टेस्ट के नाम से क्यों भाई क्यों seal ikka teeb . इसके जरिए आर्काइव नहीं हो रहा पता नहीं क्यों सेम बाई चीज मैं यहां से भी कर सकता हूं फ़ोल्डर, एंड सेव, हो गया आर्काइव बन गया ठीक है, बता है क्यों ये वाला टीडीएमएस वाला वर्क नहीं कर रहा था तो कभी कभी लीच हो जाती है अभी ये आउटपुट पाथ मेरे को कहाँ पर सेव करना है मेरे को अपना आर्काइव लोकेशन मैं इधर पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने आर्काइव को सिलेक्ट कर देता हूँ मेरे को न्यू फोल्डर के ऊपर मेरे को चाहिए जो न्यू फोल्डर ये है इधर मैं इधर पे एक अलग से मैं आर्काइव का फोल्डर बना देता हूँ न्यू फोल्डर जो हम लोग इससे करेंगे जो रिसोर्स वाला ऑप्शन है रिसोर्स uh, कलेक्टर करके ओके okay? तो इसके ज़रिए मैं यूज़ पाथ कर देता हूँ ये पाथ को यूज़ करना है और करते हैं अगर मैं सिर्फ बिट मैप पर मार्क करूंगा तो सिर्फ मेरा बिट मैप सेव होगा और इधर पे क्लिक किया सिर्फ कलेक्ट मैप एंड ऑटोमेटिक लाइट अगर मैं डाल के रखा हूँ तो।, तो इसने बोला हाँ मैक्स है मैक्स का पाथ ओके नो इंक्लूड मैक्स पाथ ओके 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 इसको सेव करना चाहिए पहले इसको सेव कर लेते हैं मतलब तो बिना सेव किए मानेगा नहीं है चलो ठीक है सेव कर लिया फिर क्लिक किया तो अभी क्या होगा सिर्फ इसका बिट मैप और जो भी है अलग से सेव हुआ होगा अभी यहाँ पर मैं जाता हूँ न्यू फोल्डर पे सेवन नंबर पे तो इधर पे आ गए तो इधर पे जो भी मैप से इधर पे आ गए सेव हो गए ठीक है जो भी इसके अंदर मैंने क्लिक किया इधर पे मैप को लिया उसने और इसमें क्या है हमारे पास यही मैप ही है कंप्लीट सारी चीज़ है तो एक बार फिर से मैं इसको डिलीट करता हूँ तो हमको समझेगा कि यखिर में इधर पे हुआ क्या है ठीक है इसको डिलीट कर दिया तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो अभी क्या होगा देखो फिर से वहाँ पर वो चीज़ें फिर से बन जाएगी यहाँ पर रेडी हो गया ठीक है अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि आ, मुझे आ, मैक्स फाइल भी साथ में चाहिए इंक्लूड मैक्स फाइल क्लिक किया तो मैक्स फाइल को फिर बाद में अलग से सेव करके लेके आ जाएगा मगर क्या है कि इसके अंदर मेरे को बताना पड़ रहा है कि मेरे को ये चाहिए चाहिए अब ये क्या ऐसे बाहरी फेंक दिया उसने अगर मेरे को सिर्फ इसको कंप्रेस करके चाहिए तो इधर पे मैं क्लिक कर सकता हूँ कि हाँ मुझे उसका कंप्रेस चाहिए इधर पे ऑप्शन है कि मूव एंड कॉपी यानी कि जो भी मैप हमने कहाँ पर भी दिया है उधर पे से वो मूव हो जाए या फिर कॉपी हो जाए मूव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर वहाँ से निकल गया फिर यहाँ पर आ गया कभी डेटा मूव हो गया तो डिलीट हो गया तो गड़पड़ जाएगा हमारे साथ तो बेस्ट रहेगा कि कॉपी करके रखो एंड ब्रिंग करते हैं तो अभी आप देखोगे तो इसके अंदर हमारा क्या होगा एक सिप फार्मेट भी बन जाएगा और साथ ही साथ मैक्सफाइल भी आ गई और जिप फाइल भी आ गया तो ये ऑप्शनस होते हैं अलग अलग बाकी जो मैं अरकाइब से किया था अरकाइब से क्या है कि इसलिए डायरेक्टली हमको ज़िप फाइल मिल जाती है कुछ करना नहीं पड़ता उसके अंदर ना ही आपको उसको बताना पड़ेगा भैया इसके अंदर मैक्सफाइल डाल इसके अंदर ये डाल इसके अंदर वो डाल तो सीधा वन क्लिक पे हमारा अरकाइब बन गया तो वो एक इजी स्टेप्स है बाकी ये में क्या है कि इसमें समझ सकते हो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है उसको बता मैं हाँ ये कर ये कर ये कर ये कर उसके अंदर बताया नहीं पड़ेगा आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए वो सीधा आपको एक अरका बना के दे देगा बस टाइम ख़त्म ठीक है तो अभी हम लोग पहले इनका फ़ाइल चेक कर लेते हैं उन्होंने फ़ाइल हमें भेजा है ज़िफ़ फाइल बना के श्याम जी ने तो इनका ज़िफ़ इनका फाइल चेक कर लेते हैं ओके okay. तो एक इनका भी क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं इन्होंने इधर पे हमें ये वीडियो भेजा है इनका स्केल का कुछ प्रॉब्लम है आपका ना पहले ना देख लीजिए आपका जो पीवोट है उसको सही कर लीजिए स्किल का पीवोट आप इधर पे क्लिक कीजिए जो भी आपका मॉडल है स्मोली ये आपका मॉडल है जो आपका सर्कल जो भी है तो उसको आप एक बार स्केल पे लेके जाइए फिर इधर पे आप जाइए इधर पे पाओट होता है जो आपका पेवोट एफेक्ट पेवर्ड को इधर मार्क कीजिए इधर पर जाइए हरैकी में जाइए एफेक्ट पेयोर्ट को ऑनली पे कीजिए अगर ये आपका इधर पे अलग जगह पे जा रहा है लाइक आपका यहाँ पर है स्केल ऐसा बन रहा है ना आपका स्केल यहाँ पर बन रहा है ऐसा कोई स्केल उसको आपको क्या करना होगा इसको क्लिक करना है और इसको लेना है और सेंट टू ऑब्जेक्ट टू सेंटर क्लिक कर देना सेंटर टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना तो जो भी आपका स्केल क्लिक करना दो स्केल भी आपका सेंटर में आ गया फिर आप आसानी से आप स्केल सेंटर से कर सकते हो एक बार ट्राई करके देखिए हो जाना चाहिए ठीक है अभी नेक्स्ट इनका भी है जो अभी यहाँ पर श्याम जी ने हमें भेजा है ये अपना सोफ़ा इसको हम लोग देख लेते हैं इनके सोफ़ा में क्या दिक्कत है और चेक कर लेते हैं सीलिंग पर कव लाइट क्रिएट करने के लिए कौन सा अच्छा है मैच लाइट या फिर वीरे प्लेन लाइट देखो डिपेंड करता है अगर आपका सीलिंग का कव लाइट काफ़ी ही टिपिकल वाला है अगर सिर्फ बॉक्स बॉक्स जैसा बॉक्स जैसा कव लाइट है तो आप सिर्फ प्लेन लाइट दीजिए और आपका सिर्फ अगर काफ़ी डिज़ाइनर है अगर समझ लो ऐसा कुछ है कि आ, ऐसा कुछ कव लाइट जा रहा है या फिर आपका कुछ ऐसा कुछ कव लाइट जा रहा है या फिर एक मिनट सॉरी आपका कुछ ऐसा कुछ बन रहा है ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा तेछा मेछा बन रहा है तो उस जगह पे आप मैच लाइट दोगे तो काफ़ी आपका टाइम बचेगा बाकी आप प्लेट लाइट दे जाओ काफ़ी ज़्यादा आपको घुमाना पड़ेगा आप उससे भी दे सकते हो दोनों चीज़ें कर सकते हो दोनों चीज़ें मैं क्या कि किससे आपका टाइम ज़्यादा बचेगा वो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि आप मैच लाइट में आपको इस तरह के टिगड़न वाले जो सीलिंग होती है उधर मैच लाइट से आपका टाइम बचेगा और जो सिंपल सा है सर्कल हो गया जैसे से रेक्टेंगुलर हो गया उस जगह पे आपको प्लेन uh, लाइट दे दोगे तो काफ़ी टाइम बचेगा तो सेम टाइम के ऊपर डिपेंड करता है आपको टाइम किस किसपे ज़्यादा बच रहा है तो आप उसको यूज़ कर दोनों में लाइट पर एक ही इफेक्ट आने वाला है तो ज़्यादा उतना मुश्किल नहीं है अरे यार जैसे कि आपका चलो ऐसा कुछ सीलिंग है कि लाइक ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सीलिंग है तो इसकी जगह पे आपको डालना पड़ेगा आपका मैच लाइट और आपका सिर्फ रेक्टेंगुलर तक का ऐसे सीलिंग आ रहा है लाइक ऐसा रेक्टेंगुलर सीलिंग है ठीक है तो उस जगह पे आपको बस रेक्टेंगल वाला लाइट दे दीजिए काफ़ी सिंपल सिंपल सा काम हो जाएगा इधर पे एक लाइट दीजिए इधर पे एक लाइट इधर इधर तो काफ़ी सिंपल सा काम हो गया काफ़ी जो कव वाली चीज़ें होती है उधर पे आप प्लेन लाइट दे तो काफ़ी सही रहेगा तो उससे आपका टाइम बच जाएगा बस ये सिंपल ट्रिक है और अभी यहाँ पर हमारा जो है उनका जो मॉडल है ये हो गया है डाउनलोड तो उसको मैं कर लेता तो, एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर इनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है दिक्कतें कहाँ पर हैं ठीक है ये उनका फाइल है इनको फाइल को मैं इधर भी करता हूं अपना ओपन ओपन करने पे देखो यहाँ पर टेक्सचर मिसिंग नहीं आ रहा है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और ये इसकी मटेरियल को अगर मैं चेक करता हूँ इसकी मटेरियल आखिर में है कौन सी इसको भी चेक कर लेते हैं इसकी मटेरियल सारी सारी है वीरे लाइट ही दिख रही है हमें वीरे वाले ही दिख रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये वीरे वाला नहीं है ठीक है देखो आपने ओपन किया डायरेक्टली ओपन हो गया राइट अभी क्या है कि ये जो फाइल है अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ एस ट्रैकिंग में मैंने ये फ़ाइल किधर अंदर कॉपी की है कहाँ पर है मेरे डाउनलोड के अंदर राइट डाउनलोड के अंदर सी ड्राइव यूज़र मेरा गेम करके एक फोल्डर है और एक है क्या बोलते हैं एक मिनट रखो तो डाउनलोड है फिर सोफा है और इधर पे जो भी आपका फाइल का नाम है ये आ रहा है राइट अब मैं आपको एस एस ट्रैकिंग में दिखाऊँ एस एस ट्रैकिंग में क्या दिखाता है एस एस ट्रैकिंग में क्या दिखा रहा है यहाँ पर आपके फाइल में देखो इसको अभी पाथ फाउंड हुआ ही नहीं है यहाँ पर पाथ दिखाना चाहिए इसने ओके किया है फाउंड किया उसने सिर्फ उसने सर्च करके फाउंड किया ओके नहीं किया इसको कि भाई ये ओके है उसने सर्च कर लिया ढूंढ के उसने ओके कर दिया है ढूंढ के अभी उसने ओके नहीं किया है इसको बताना पड़ेगा इसको ओके करना पड़ेगा जब आप इसको ओके करोगे तब आपको क्या है कि ईजी पड़ेगा काम करने में अभी ये क्या फाउंड फाउंड दिखा रहा है ओके कैसे कर सकते हो ओके करने का सी सीधा सिंपल तरीका है सबको सेलेक्ट कर लो सिप प्रेस करके जितने भी मैप्स है इसके अंदर फिर राइट क्लिक करके कर लो सेट पाथ सेट पाथ करने के बाद फिर जो भी लोकेशन पे ये जो मॉडल है ये मॉडल कौन से लोकेशन पे है कहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसके अंदर जहाँ पर भी रखा हुआ है ये मेन मॉडल उसी जगह पर उसी लोकेशन को बताना होगा इस जगह पर ये मैप पड़े हुए हैं ओके यूज पाक तो अभी ये इधर पे देखो ये ओके okay हो जाएगा हाँ ये फाइनली अभी इस, इसको पता चले हाँ मैप यहाँ पर रखे हुए हैं इस लोकेशन पे रखे हुए हैं तो इसको पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पे जब आप इसको यूज़ करो ना टेक्सचर मिसिंग नहीं होगा देखो अभी दिखाता हूँ अभी इसको मैं सेव करता हूँ एक मिनट रुको एक मिनट रुको अब मैं सेव करने से पहले सेव करने से पहले आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ तभी आपको समझ मैं ऐसा कर क्या रहा हूँ कर क्यों रहा हूँ तब समझेगा जैसे ये दूसरा मैक्स है राइट हाँ जैसे ये दूसरा मैक्स है इसके अंदर कुछ भी खुला नहीं है अभी मैं उसको कैसे किया था म, क्या बोलते ओके किया था ओके यानी कि उसको मैंने ओपन किया था डायरेक्टली तो उधर मेरे को टेक्सचर दिख रहे थे उसे फाउंड कर लिया था अगर मैं उसको मर्ज करता हूँ यहाँ पर अभी आपके जैसे ही आएगा जैसे मतलब आपके जैसे ही आएगा करके दिखाता हूँ तो आपके जैसा ब्लैक होगा जैसा आपके अंदर ब्लैक हो रहा है तो इधर पे मच uh, करने पर सोफा वाला जो है ये वाला मैं करता हूँ ओपन सेलेक्ट कर लिया इसको सोफा को एंड ओके okay कर लिया अब देखो मेरे को भी ब्लैक आ रहा है यहाँ पर जैसा आपको आ रहा था ऐसा क्यों आया क्योंकि जाके इसको हम लोगों ने पाथ को सेट नहीं किया है अभी मैंने सेट नहीं किया अभी मैंने सेव नहीं किया उसको अभी पाथ को मैंने सेट नहीं अभी जैसे कि अगर मैंने अभी पाथ को सेव जैसे आपको बताया था मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले वैसे ही पाथ को अगर मैंने सेट कर लिया सेट कर लिया ओके okay. सेट करने के बाद फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिर अभी इसको करता हूँ सेव कर लिया मैंने सेव हो गया ओके okay. सेव हो रहा है भाई सेव होने दो शांति से हो गया सेव फाइनली अभी फिर से मर्ज करता हूँ फाइल को मैंने बता दिया हो कि मेरी टेक्सचर है किधर पे किस जगह पे किस जगह पे लोकेशन है मेरे टेक्सचर का मैंने फाइल को बता चुका हूँ तब उसी फाइल को मैं अभी इधर मर्ज करूँगा उसी फाइल को जिसको मैंने बता चुका वही फाइल है भाई उसी फाइल को मैंने सेव किया अभी में। अभी मर्ज करता हूँ अभी टेक्सचर में नहीं आएगा देखो तो मैंने फाइल को बता दिया हो कि टेक्सचर मेरे यहाँ पड़े हुए हैं और उसकी फाइल को मैंने सेव कर दिया देखो आया नहीं आया तो इसी तरीके से आपको क्या है कि सबसे पहले आपके फाइल को जो ओपन किया है आपने इस जगह पे उसको पहले एस एस ट्रैकिंग पे जाके उसके टेक्सचर को जिस जगह पे टेक्सचर आपके रखे हुए हैं उधर से उसको ओके कीजिए ओके उधर से उसको ओके कीजिए जैसे मैंने यहाँ पर किया सेलेक्ट ऑल करके जिस लोकेशन पे पड़ा हुआ है सेट पाथ किया मैंने और उस लोकेशन पे गया यहाँ से और जैसे मेरा इधर पे है डाउनलोड के अंदर है मगर इन द केस और आपने इधर से सेट किया इसको तो आपको यहाँ से इसको डिलीट नहीं करना है आप जहाँ से भी आप सेट करो वहाँ से आपको जब तक आप प्रोजेक्ट पे काम करो तब तक आपको इस मॉड इस फाइल को इस मॉडल को डिलीट नहीं करना है आपके प्रोजेक्ट जब तक चल रहा है आप इसको एक सेफ जगह पे सेव कीजिए वहाँ से सेट पाथ कीजिए क्योंकि मैं अभी यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ फिर टेक्चर में से टेक्चर तो मैंने डिलीट कर दिया तो दिखेगा कहाँ से ठीक है अगर मेरे को जहाँ से सेट कर रहा हूँ वहाँ पर वो परमानेंट रहना चाहिए वहाँ पर क्योंकि हमने इसको बता दिया भाई इस एरिया पे जा, यहां पर जा यहाँ पर मेरे को टैक्सर मिल जाएगा आप उसको क्या डायरेक्टली मर्ज कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि वो, वो भूल जा रहा है भाई कहाँ से टेक्चर उठाओ मैं आपने तो रख तो दिया हमको बुला तो लिया यहाँ पर खाना किधर पर वो लेना कहाँ पर है आप इसको बता दो कि हाँ खाना यहाँ पड़ा हुआ है इस लोकेशन पे पड़ा हुआ जाकर खा ले वहाँ से टैक्शन ले ले बस तो इधर मैंने लोकेशन बता दिया ओके okay कर दिया तो फिर जितने बार मर्ज करूंगा तो उसको टेक्सचर मिलते रहेंगे उसको पता है भाई यहाँ पर जाना है इस लोकेशन पर टेक्सचर पड़ा है इस पी के ऊपर तो आ जाएगा आराम से बस ये सिंपल ट्रिक है ठीक है जी श्याम जी आपका प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा इस तरह से अगर आप काम करते तो हो तो ठीक है टी डी मैस 16 में यूज़ कर रहा हूँ और उसमें बार बार नॉट रेस्पॉन्डिंग मैसेज आता है स्क्रीन वाइट हो जाता है आपका रैम बढ़ाइए या फिर आप थोड़ा अपना जो पुराना वर्जन हो जाएगा टी डी मैस सिक्सटीन ग्लीचेस हो सकता है थोड़ा सा टी डी मैक्स को चेंज कीजिए रैम बढ़ाइए रैम आपका कितना है सुनील जी रैम को इंक्रीज कीजिए और ग्राफिक कार्ड भी अच्छा खासा यूज़ कीजिए तब उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी और एस एस डी यूज़ कीजिए पीसी के अंदर तो जो आपका जो हैंग हैंग वाला प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो सकता है और आपके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है तो फिर सॉफ्टवेयर को ही चेंज कीजिए और क्या कुछ कर सकता है क्योंकि इतना क्योंकि नॉट रेस्पॉन्डिंग वाली चीज़ें क्या होती है बार बार वाली वो हो सकता है कि आपका रैम रैम में प्रॉब्लम हो या फिर आपका जो हार्ड डिस्क है बार बार लोडिंग ले रहा है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा ये प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नहीं और ग्राफिक कार्ड से भी ग्राफिक रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है कि ग्राफिक बहुत कम है आपके अंदर ग्राफिक कार्ड अगर काफ़ी लो क्वालिटी वाला है तो बार बार उसके वैसे भी हैंग होता है और आपका ये सब चीज़ें पशीन में कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़ें ओके ओके हैं तो मेन प्रॉब्लम तो सॉफ्टवेयर में हो सकता है और कुछ नहीं सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ तो बार बार हो रहा है तो फिर सॉफ्टवेयर में हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन और था नोइज़ बहुत आता है ब्लर टाइप की ऐसे कैसे हटाएं देखो आपको नॉइज़ हटाना है तो डी नॉइज़र यूज़ कीजिए यूज़ डी नॉइज़र ठीक है एलिमेंट में जाके एलिमेंट में जहाँ पर ये होता है ना आपका रेंडर एलिमेंट वहाँ पर जाके डी नॉइज़र यूज़ कीजिए Thank <music> you. एट जी बी और ग्राफिक कार्ड नहीं यार एट जी बी रैम है तो बहुत कम है यार रैम बढ़ाई है भाई आपका पीसी चलते चलते चार जी बी खाता होगा टी डी मैक्स को रन करते करते दो जी बी खाता होगा बचा हो दो जी बी बचा होगा दो जी बी में कितना काम कर लोग डी वाला इधर पे हम लोग जाके इधर पे बत्तीस बत्तीस जी बी ले कर काम कर रहे हैं आप एट जी बी में बोल रहे हो काम हो जाएगा नहीं यार एट जी बी में नहीं होगा कम से कम सोलह जी बी कीजिए तो थोड़ा काम अच्छे से चले सोलह जी कर लीजिए रैम को थोड़ा बहुत आपका साइज से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा रैम के वजह से दिक्कत आ रही है रैम कम पड़ रहा है क्योंकि जब कुछ हैवी काम करते होगे तब जब रैम पर नॉट रेस्पॉन्डेड नॉट रेस्पॉन्डेड क्योंकि जाकर रैम कम पड़ रहा है उसको इसलिए नॉट रेस्पॉन्डिक पे जा रहा होगा और सर सेटिंग से भी हटाया जा सकता है एक मिनट क्या है देखो आपको रेंडर सेटिंग में जाना पड़ेगा रेंडर सेटिंग में आपको जब वीरे के अंदर जाते हैं हम लोग वीरे के अंदर आपको टाइम हो गया लगभग बारह बज गया। ओके okay. तो ऐड करना होगा इधर पे वीरे डी नॉइजर तो उससे जो क्या है कि जब भी आप रेंडर को रेंडर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो डी वीरे डी नॉइजर से जो नोइज आपके क्लीन करेगा ठीक है एक बात है कोई भी वीरे लाइट का मोड कलर और टेम्परेचर रखो क्या पूछ रहा हूँ एक बात है कोई भी बीरे का मोड कलर या टेम्परेचर रखो कौन सा अच्छा है देख दोनों सही है यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोनों सही है क्योंकि कलर तो कलर आप कलर में चॉइस कर सकते हो आपको क्या कलर चाहिए टेम्परेचर में कैसे टेम्परेचर के हिसाब से टेक्स सेट होता है कलर में कैसे आठ जी कलर से कितने भीटेड अनलिमिटेड कलर है तो उसके हिसाब से होता है तो वो कलर आपको जैसे ग्रीन चाहिए लाल चाहिए पीला चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते आसानी टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर को समझना पड़ेगा कि कैसा टेम्परेचर का हिसाब किताब क्या है ठीक है जैसे कि टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर में ऐसा कुछ होता है हिसाब का था कलर अमाउंट का और अठारह होगा अठारह के आसपास पास अठारह सौ के आसपास रहेगा तो रेड कलर टोन में जाएगा अट्ठाईस सौ के आसपास रहेगा तो आपका इस टोन में आएगा ये उस पर क्या है कलर टोन उसके हिसाब से चेंज होते रहते हैं जब थ्री थाउजेंड के आसपास आपको पीले के थ्रेप पी, ये अलग अलग जो लाइट के टेम्पेचर होते हैं ठीक है आपको टेम्परेचर के हिसाब से करना है तो वैसा कर सकते हो मगर आपको टेम्परेचर में दिमाग का दही नहीं करना है उतना आपको कलर का ही समझ में आता है हाँ ब्लू कलर चाहिए नीला कलर चाहिए लाल कलर चाहिए हरा कलर चाहिए सीधा मैं कलर डाल दूँ तो इसलिए कलर का ऑप्शन दिया रहता है कि आप सीधा कलर अप्लाई कीजिए जो भी वीरू नीला केला करना है वो अगर बाकी नहीं तो टेम्परेचर में वैसे वो भी कलर ही लेगा ऐसे भी कलर ही लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है देखो मैं आपने आ, अब्दुल गनी जी इसके ऊपर मैंने वीरे सन जो आप पूछ रहे हो ना इसके ऊपर हम लोगों ने काम कर चुके हैं पिछले लाइव सेशन में हमने काम किया था आ, पिछला लाइव सेशन में अगर आप यहाँ पर सिर्फ लिखते हो ना लाइट सिर्फ लाइट लिखते हो मेरे इधर पे यूट्यूब पे ही लाइट लिखिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे सन लाइट वाला ये देखो सन लाइट का इधर देखो डे दे का है इधर पे इवनिंग तब का लाइटिंग किया हुआ है इवनिंग का लाइटिंग लाइट आ रहा है उधर से इवनिंग तक का वो सारी चीज़ें सेटिंग इसमें करके रखी है इसमें बताया था मैंने बहुत छोटा सा है कुछ तेरह दस चार मिनट का वीडियो है वो देख सकते हो तो समझ जाओगे कैसे करना है सर ये टॉप में रॉ है उसका छोटा Uh, कैसे करें उसको छोटा कैसे करें आई I मीन mean, जो मूव कॉपी हो जाता है जो ये टॉप में रो है ये इसे टूल बार की बात कर रहे हो क्या आप टूल बार से दिक्कत है भाई तो टूल बार की बात करो टूल, टूल बार को हम लोग छोटा बड़ा नहीं कर सकते जो है डिफॉल्ट है मैन्यू बार ये टूल बार की बात करो ना इसकी बात करो ये टूल वूल की तो आपको अगर ऊपर में वो तो हट वही या फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है या फिर दो स्क्रीन होना चाहिए आपके पास दो स्क्रीन अगर आपको तो एक ये दूसरे टूल बार को दूसरे स्क्रीन पे लेके चले जाओ तो आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा देखो अब जब काम करना सबसे इजी एक चीज़ है एक चीज़ कर सकते हो मगर क्या है कि उसमें एक दिक्कत यह है ऐसे कर सकते हो कंट्रोल एक्स तो आपका टूल बार वगैरह वो भी खाली हो जाएगा इधर पे साइड का पैनल भी गायब हो जाएगा जब भी आप मॉडलिंग कर रहे हो कुछ भी काम कर रहे हो ठीक है आपको स्क्रीन ज़्यादा चाहिए तो इसको बढ़ा सकते हो अगर इससे भी बड़ा चाहिए तो कंट्रोल एस दबाओ तो देखो ऊपर का टूल बार भी गायब हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए फिर आपको जो भी काम करना है काम कर सकते हो अल्ट कंट्रोल एक्स होता है कंट्रोल एक्स से बड़ा हो जाता है टूल बार गायब हो जाता है स्क्रीन ज़्यादा बड़ा स्क्रीन मिल जाता है हमें सिर्फ मेन्यू बार बचता है यहाँ पर ठीक है मेन्यू बार एंड ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ से रेंडर सेटिंग करना है तो रेंडर सेटिंग को चालू कर सकते हो रेंडरिंग रेंडिंग सेटअप को ऑन कर सकते हो यहाँ से स्क्रीन स्लो हो गया भाई ठीक है इस तरह देखो भी ऑन हो गया जी आई लाइट जी आई लाइट क्या होता है सर जी कोई अभी रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को सर्कल या एंगल से भी ऑब्जेक्ट पर इसको मॉडल को ही आपको मॉडिफाई खुद से मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसा कोई चिपकता नहीं यार ये उसका शेप आपको बनाना पड़ेगा और सर वो कॉपी पेस्ट वाला स्क्रिप्ट आपको एक रॉ में है वो कैसे आया मैंने मेरे पास तो सेपरेट नीचे का तरफ आ गया है अरे नहीं वो मैंने एक में एडजस्ट किया ना एक ही में डाल के ये तो पूरा एक पूरा स्क्रिप्ट का ही है कंप्लीट अलग अलग स्क्रिप्ट ही है उससे ही बनाया मैंने कंप्लीट अलग अलग, -अलग स्क्रिप्ट ही है पूरा कंप्लीट देखो क्या कर सकते हो कंट्रोल दबाओ अगर आपको किसी भी रो में डालना है डालना है तो उसको कंट्रोल दबा के से मूव कर सकते हो कंट्रोल या अल्ट यार अल्ट यार कंट्रोल नहीं हो रहा है जाओ लॉक कर दिया मैंने लगता है so. बेचारा नहीं मूवी नहीं हो रहा है तो फ्रीज ही हो गया इसके ऊपर पूरे सीन में क्लियर क्या समझे नहीं क्या पूछ इंटीरियर की लाइट का कुछ बताइए तो इंटीरियर लाइटिंग के ऊपर वीडियो बन चुके हैं यार वीडियो देख लो लाइटिंग के ऊपर इंटीरियर लाइटिंग जो भी आपको जानना था वो इंटीरियर लाइटिंग ठीक है इंटीरियर की लाइटिंग देख ले तो लाइट डालिए और इंटीरियर लाइट लिखिए बारह बज के सात मिनट हो चुके हैं अब यहाँ पर हमें बंद करना पड़ेगा इंटेल लाइटिंग के ऊपर वीडियो बन चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियोज़ को आप फॉलो कर सकते हो ठीक है लेआउट फाइल को मॉडलिंग करके फाइव फिट हाइट में रेंडर सेटिंग कैसे करें करता हूँ तो लाइट सही नहीं आता है बता दो भाई जैसा नॉर्मली करते हो उसमें फाइव फिट हाइट में क्या दिक्कत है जैसा नॉर्मल सीन करते हो उसमें ही अब्दुल्ला अब ओके अभी नहीं कर सकते अभी जो भी कलर का आप पूछ रहे हो ना ये सब तो क्योंकि उतना टाइम नहीं है देखो बहुत ही नोइीनस भी आ गई है इधर पे अब धीरे धीरे और थोड़ा तो त्यौहार का टाइम चल रहा है आज नवरात्रि आज से चालू है शायद से हाँ तो फिर आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि तो मेरा भी टाइम हो चुका है स्लिपिंग करने का स्लिप भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी नॉइजिनेस धीरे धीरे बढ़ रही है यहाँ पर ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर बंद करता हूँ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे को और फिर हम लोग क्लास करेंगे अच्छे से फ्रेश मूड पे ठीक है तो फिर बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे यूट्यूब चैनल ओके चलो फिर बाय बाय अभी जितके भी क्वेश्चंस रह गए हैं उसके क्वेश्चन अभी नेक्स्ट संडे को क्लियर होंगे अभी तो थोड़ा सा मेरा भी मूड अभी सोने का कर रहा है आराम करने का कर रहा है तो नेक्स्ट संडे को कर रहा है आराम से ठीक है चलो फिर बाय बायस डॉट कॉम यहाँ मिलते हैं आपको टी मॉडल सीन फायर टेक्सर और ट्यूटोरियल्स और भी आज जाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद वंदे मातरम